छत में से उड़ जाएगी। बोला मेरे गुरु पाद प्रतिमा वितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद प्रतिमा वितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। हम लोग ने श्रवण किया है कि अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं, ग्रंथ को ऊपर में हमें चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। ये ग्रंथ की महिमा। पहला नंबर है कि भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोले वही कथा सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभ्य। जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का जिनका कोई पुण्य उदय हुआ है कहते वही व्यक्ति ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। हैं? अगर कोई बोले आप कह रहे करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य, हमारा तो एक जन्म भी पुण्य नहीं, हम तो बहुत बड़े के पापी है, अरे क्या कथा नहीं सुन सकते हैं? इसलिए हम लोग गत गला सुन रहे थे धुंधुकार की कथा सुन रहे थे ना, जिनको वेश्याओं ने बुरी तरह से पकड़ करके गले में रस्सी बांध करके और जलते हुए अंगार को मुंह में ठोस ठोस कर मारे और घर में गड्ढे खोद करके उसमें गाड़ दिए और चले गए और उसने क्या बन गया, प्रेत बन गया। और पहले क्या किया उसने, पिताजी को इतने सताया पिता तो घर छोड़ के चले गए। मैया को इतने पिटाई दी, मैया दुखी होकर के कुएं में आत्महत्या की। फिर उसने क्या किया, बड़े छह छह बेस्याओं को बुला के घर पर दिया, फिर डाकू डाला। मतलब ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो जिसने वो उसने नहीं किया। इसलिए जब गया में हम लोग गया में हमारे पिंड है ना, जब गया में भगवान का चरण चिन्ह है, ठाकुर का आशीर्वाद है, कोई गया में आए अपना पितृपुरुष को उद्देश्य में गया में एक बार पिंड दे दे उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गोकर्ण ने जब गया में जा करके पिंड दिया, फिर जब घर में आ करके देखा फिर प्रेत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दे दिया गया, तेरे मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया है, मेरे नाम पर तुम 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे मुक्ति नहीं होगी। बोले फिर मुक्ति होगी कैसे, सूर्य देवता को जब प्रश्न किया, बोले भागवत कथा सुन, ये भागवत कथा सुनने से उसको मुक्ति मिल जाएगी। जब भागवत कथा सुने तो उसको मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब है कब जितने बड़े से तो बड़े पापी क्यों नहीं, अगर धुंधुकार प्रेत जन्म में रहते हुए अगर भागवत कथा सुनकर मुक्ति मुक्ति हो गई, फिर तो हम तो इंसान जीवन है, हमारे इंसान का जीवन, फिर हमें क्या मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें भी कथा सुनते सुनते हमें भी संसार से मुक्ति मिल जाएगी हमें। इसलिए पहला नंबर कथा कौन सुन सकता है, कहते पापी से अगर पापी क्यों नहीं हो कथा को सुन सकता। दूसरे नंबर में बताए अगर कोई बोले अरे ये सब सुन सुनाई कथा कितना बार सुनेंगे, हम बहुत बार सुन लिया है, हमें सब सुनने का कोई जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, हमें सब कथा बताने हमारे सब कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसके लिए उदाहरण दिया श्री सुखदेव गोस्वामी। हम आगे सुनेंगे ये सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, मैया के पेट से निकलना नहीं चाह रहे थे है? लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए उन्हें संन्यास लेकर के जंगल में चले गए और संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ध्यान में ये पूरा डूबे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्म ज्ञानी थे। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा,
जब उनको कानों में केवल एक श्लोक उनको कानों में पड़ गया भागवत का, वो पागल हो गए, बोले इतने सुंदर श्लोक कौन बोल रहा है। फिर उन्होंने पूरा ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके फिर वो वापस आए और ये पूरी भागवत कथा को सुनी। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी ये कथा को सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा है ये कभी पुरानी नहीं होती। आप लोग रोटी खाते हो कि नहीं? रोटी खाते हो? आप देखना एक दो टाइम में अगर रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा। अगर रोटी में इतने आनंद आ सकता है पर भगवान की कथा में नहीं है। इसलिए भगवान की जो कथा में इतने रस, जितने सुना लग गया जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं जिंदगी में है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत है श्री रूप गोस्वामी, देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बोले तुंडे तांड विनिमित वितनुते तुंडा बलि लब्धे करना क्रडो कडविनि घटयते करना बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णत। वो संत कह रहे हैं जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है ना उसमें इतने आनंद, उसमें इतने आनंद भर दिए। शंकर जी पंचमुख में तो पंचमुख राम नाम गाम त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय क्या करते हैं? हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। पंचमों में हर समय प्रभु का नाम को जप करते हैं। वो संत कहते हैं इतना मीठा नाम भगवान के नाम में, लेकिन उन्होंने ये दो ही काम क्यों दे दिया? अगर हमारे करोड़ों करोड़ों कान अगर दे देते तभी ये कथा सुन करके आनंद मिलता है। इसलिए पृथ्वी महाराज भी कहते बोले प्रभु मेरे को 10,000 काम दो। कितना काम दो? 10,000। बोले क्यों? दो काम तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ भी दो कान हो जाए, यहाँ भी दो कान हो जाए, पूरा शरीर में तुम अगर कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी तुमको, दो कान बढ़िया लग रहा है। वो कहते हमें 10,000 कान दे दो। बोले क्यों? बोले अब दो कान दे दिया कृष्ण कथा कृष्ण नाम सुनकर मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, अगर 10,000 कान हो जाए ना तब तुम्हारी कथा सुनकर हमें आनंद मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका दो तात्पर्य बताया, दोनों कानों में इतनी शक्ति दे दो कृष्ण कथा सुनने के लिए जैसे 10,000 कानों में जितने ताकत दे सकती है। दूसरा मतलब है जैसे यहाँ पर कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी ना, कहते प्रभु कहीं की कथा चुभ नहीं जाए, सब जगह में जहां जहां कथा होती है, हैं? हनुमान का नाम सुने हो कि नहीं? आप लोग हनुमान का नाम सुने हो? इसलिए हनुमान जी श्री गोस्वामी श्री वाल्मीकि जी कहते हैं बोले प्रभु जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, कल जहां जहां पर प्रभु श्री रघुनाथ की भगवान राम की जहां जहां पर कथा कीर्तन हो। अब लोग रामायण होते हुए देखे होंगे सबसे पहले हनुमान जी का तस्वीर लगता है सबसे पहले, क्योंकि राम कथा के सबसे जो रसिया श्री हनुमान जी, सबसे बड़ा रसिया हनुमान जी। अगर करोड़ जगह में कथा होना हनुमान जी करण रूप धारण करके कैसे जाते हैं? कथा से पहले जाते हैं, ऐसे जाकर बैठ नहीं जाएंगे, जाकर के सबसे पहले जो जगह पर कथा हो रही है वो स्थान को प्रणाम करेंगे। बोले क्यों? बोले जहाँ पर भगवान की कथा होती है, देखो अभी देख लो जैसे यहाँ पर सब लोग चप्पल पहन कर घूमते होंगे, लेकिन जब से कथा हो रही है कोई चप्पल पहन कर आ रहे हैं? नहीं आ रही है, कोई नहीं यहाँ पर आ रही है। क्यों? जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना तो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाती है, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर के बैठ जाती है जहां पर भगवान की कथा हो। वो स्थान को अत्यंत अत्यंत पवित्र मानी जाती है, इसलिए कथा स्थल को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको भी प्रणाम करो, कथा जो बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो। इसलिए हनुमान जी फिर हाथ जोड़ करके गदगद होकर के प्रभु की कथा सुनते हैं। फिर जब जाते हैं तब बीच में उड़ करके चले जाते हैं, बीच में उड़ करके जाना पाप लगता है, भगवान की कथा जहाँ हो
जब कथा विश्राम हो जाएगी, जब सबके सब चले जाएंगे, अरे हनुमान जी क्या करते हैं उस स्थान पर साष्टांग दंडवत करते हैं, वो जमीन पर लौट पर उठाते हैं करके वहाँ का धूल शरीर में लगा करके फिर हनुमान जी तभी जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए जो भगवान की जो कथा है ये कभी पुरानी नहीं होती है, ये कभी जब साधारण रोटी हम जब खाते हैं रोटी कभी पुरानी होती है, कभी पुरानी कभी नहीं होती है। इसलिए भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होता है, जब सुनने लगता है नए नए। जैसे घर में ठाकुर जी ना घर में, अब रोज घर में ठाकुर जी देखते होंगे, लेकिन देखना जब रोज रोज ठाकुर का श्रृंगार करते हो क्या होता है, ठाकुर जी ऐसे लगते हैं ना जीवन में से आप पहला बार ठाकुर जी को हम देख रहे हैं, ऐसे लगते हैं कि नहीं, सवेरे देखते हो, दोपहर में देखते हो, शाम को देखते हो। भगवान की कथा भगवान का मूर्ति कभी पुरानी नहीं। यहाँ पर मथुरा जी से ना मंदिर ये जाते हो, कौन कौन जाते, कभी कभी जाते हैं है? कभी कभी जाते होंगे मथुरा जी को दर्शन करने के लिए ठाकुर जी है, कोरोना के चक्कर में बंद हो रहे, कोरोना के कारण बंद हो रहे कह रहे हैं 2 साल से। नहीं जब खुल जाती है तो आप जाते होंगे, इसलिए भगवान कभी पुरानी कभी लगते हैं कभी पुरानी। बच्चा बैठ गया, हो गया, इसलिए भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। इसलिए कहते कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कथा सुनने का अधिकारी पापी से, अगर पापी अगर कथा सुने तो भगवान की कथा उससे भी मुक्ति प्रदान करती है, और जो ज्ञानी से जो ज्ञानी भी भगवान की कथा को भी कथा सुनते हैं। इसलिए ये कथा सभी सुन सकते हैं, कथा है, कथा के लिए कोई पाबंदी नहीं, सबको ये कथा ज्ञान देने वाले। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए कथा के लिए हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भागवत कथा की महिमा, बोले कहाँ से सुन रहे थे कथा की महिमा, कहते श्री ये पद्म पुराण के कथा सुन रहे थे, आज हम लोग स्कंद पुराण में भी भगवान की कथा है यहाँ से थोड़ी सी सुन लेते हैं, ठीक है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, माता जो कुंती जब सुना कृष्ण ही जगत छोड़ करके चले गए, उसी समय उन्होंने भी अपना प्राण को त्याग दे दिया। बोले क्यों, बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे, कृष्ण विहीन जो प्राण है नहीं रखनी चाहिए, वो शिक्षा देती है तभी ये शरीर को धारण करो जब ये शरीर से प्रभु का भजन हो, अगर ये शरीर से प्रभु का भजन नहीं होता है फिर तो ये शरीर रखने का कोई महत्व नहीं, ये शरीर को त्याग दे दो। इसलिए कुंती मैया ने शरीर त्याग दी और चली गई। पांडवों ने जब देखा ये कृष्ण ही नहीं रहे फिर हम क्यों रहेंगे, पांडव लोग भी उन लोगों ने महाप्रयाण में वो भी चले गए, लेकिन जाने से पहले इंद्रप्रस्थ का जो राजा श्री परीक्षित महाराज को बना दिया, और वृंदावन का जो राजा उन्होंने श्री बजरनाथ, बजरनाथ जानते हो कौन है, बोले कृष्ण के बेटे के बेटे के बेटे के बजरनाथ। अब लोग जयपुर गए हो, कौन कौन जयपुर गए हो, वहां पर जो गोविंद देव है ना, वहां पर जो गोपीनाथ है, जो मदन मोहन, जितने सारे ठाकुर को देख रहे हो उनको किसने प्रकाशित किया, ये बजरनाथ, ये सारे ठाकुर को बजरनाथ ने ही प्रकाशित, सारे विग्रह को इन्होंने किया कृष्ण जब चले गए। इसलिए कहते हैं उन्होंने बजरनाथ को उन्होंने वृंदावन का राजा बना दिए। एक दिन परीक्षित बजरनाथ से मिलने के लिए वृंदावन गए, बोले बेटा सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन जब मन है ना बड़ा उदास है। बोले क्यों, बोले राजा को कब शोभा पता है, जब प्रजा है, लेकिन भगवान कृष्ण जैसे भगवान राम, अब रामायण देखोगे जब भगवान राम ये संसार छोड़कर गए, आप देखना उन्होंने सबको लेकर चले गए। टीवी में रामायण देखे हो, सरयू नदी में एक तरफ में नहा रहे हैं, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप धारण कर रहे हैं, उधर से विमान आता है और बैठ करके संपूर्ण अयोध्या वासी केवल एक हनुमान को छोड़ करके प्रभु सबको लेकर के अपना धाम में चले गए। जब कृष्ण भी ये संसार से गए किसी को नहीं रखे, भगवान अपना धाम और परिकरों को लेकर के आते और जाते समय सबको लेकर ठाकुर जी चले गए। अभी ब्रज तो सुनिए, कोई है नहीं ब्रज,
बोले ब्रज में तो कोई है ही नहीं, राजा को तभी शोभा देता है जो प्रजाएं। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में गए, लेकिन एक स्वरूप में अभी भी भगवान कृष्ण वृंदावन में है। लेकिन ये बात को सभी नहीं जानते, लेकिन वहां का जो पुरोहित और सांडिल्य ये सब जानते हैं। तब उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले सांडिल्य जी आप थोड़ा कृपा करके ये वृंदावन धाम की थोड़ी सी महिमा ये परिचित को ये बजरनाथ को सुना। तब श्री सांडिल्य ऋषि त्रिकाल दृष्टा ऋषि इनका पुरोहित है, तब उन्होंने बोले देख बेटा भगवान की लीला दो तरह का लीला है ठाकुर की। कितने तरह के? एक है उनकी व्यवहारिक लीला और एक है उनकी वास्तव मतलब सही लीला। साधारण रूप में क्या देखो, वृंदावन छोड़कर कृष्ण चले गए, लेकिन अगर सही सही देखोगे ना कृष्ण कहीं नहीं गए। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? आप वृंदावन में देखना वहां दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज। कभी अगर वृंदावन जाओगे देखना वहां पर अंदर में बहुत बंदर रहते हैं अंदर में हैं, लेकिन देखना शाम होते ही ये बंदर को भी भगाने का जरूरत नहीं होता है। ये बंदर एक एक करके अपने आप ये दो जंगल छोड़ करके अपने आप निकलना लग जाते शाम होते ही। और वहां पर देखना मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी के लिए फूलों की सज्जा लगाते, लोटे में पानी रख लेते, लड्डू रख लेते, दांतुन रख लेते। लेकिन जब सवेरे कभी मंगलारती में कभी जा करके देखना ऐसे लगेगा जो फूल की जो सज्जा लगती है लगेगा जैसे रात को कोई आए और लेट करके कोई गए। कभी कभी लड्डू नहीं मिलेंगे, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचेगा जोर जबरदस्ती हम रह करके देखेंगे, क्योंकि अभी भी भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं ठाकुर जी हैं। अगर कोई जोर जबरदस्ती अगर रहेगा ना ठाकुर जी क्या करते हैं देखने के लिए, वो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो सर्दी छोड़ जाएगा। क्योंकि भगवान की लीला दर्शन करने के बाद लोग बोलने का लायक नहीं रह जाते, फिर ये शरीर को फिर शरीर नहीं रहता है, हैं? वो मंदिर को जो जंगल है ना उसके पास में अपना गुरु जी की बड़े गुरु जी का मंदिर है। मैंने तो दो घटना देखी है, एक बूढ़ी माता जी को देखा तो गुंगा बनी और एक को देखा मरते हुए बिल्कुल देखा। कोई जोर जबरदस्ती रह जाएगा तो फिर शरीर नहीं छोड़ता है। अगर ये कलि युग में किसको विश्वास नहीं हो ना, अरे भगवान भगवान किसने देखा है? अब एक बार वृंदावन में जाओ, वो मंदिर में रह करके देखे, फिर तुम्हें पता चलेगा ठाकुर है कि नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए तब श्री सांडिल्य ऋषि बोले देखो, फिर एक प्रश्न होता है प्रभु तो अभी भी वृंदावन में लीला कर रहे हैं लेकिन हमें फिर दिखता नहीं, कारण है क्या? बोले कारण है हमारे आंखों को सामने एक माया की पर्दा डला हुआ है, वो माया की अंदर में हम है लेकिन दिखता किसी को। सांडिल्य ऋषि कहते हैं बोले गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापक ब्रज उच्यते। ये जो वृंदावन धाम है सत्व रज तीन गुण से अतीत है। बोले प्रेम पूर्ण नाम, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन जिन्होंने अपना आंखों में लगाया उनको ये लीला दर्शन करता है। लेकिन हमारी आंखों में क्या लगा हुआ? काम क्रोध लोभ मोह की अंजन, अंजन काजल लगाया, इसलिए इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे संप्रदाय में बहुत संत हुए हैं, हमारी गौड़ीय संप्रदाय में है जिन्होंने ठाकुर को दर्शन किया है, जो गोविंद देव ना उनको जिन्होंने प्रकाश किया, रूप गोस्वामी है ठाकुर देव से डायरेक्ट बात करते थे, मदन मोहन का नाम सुने ना कि मदन मोहन करौली में मदन मोहन है, ये करौली मदन मोहन इनको साथ में तो ठाकुर साक्षात सनातन गोस्वामी इनको सब बात करते थे ठाकुर साक्षात। जब ठाकुर जी को उन्होंने रोज जाते थे मथुरा, ये बाबा का नित्य नियम था वृंदावन से चल चल करके गोवर्धन जाना, रोज परिक्रमा लगाना, मथुरा से माधुपुरी लेकर के फिर वृंदावन में आकर भोजन करते थे बाबा। ये ठाकुर जी एक चौबेली, चौबेली जानते हो जो मथुरा में जो गोस्वामी लोग है, जो चौबेली लोग है, जो ब्राह्मण लोग, उनके घर में ये मदन मोहन रहते थे। उनका एक बेटा था माता जी की, एक बूढ़ी माता जी थी, वो सोचती थी मेरे दो लाला है, ये मदन मोहन भी एक लाला
और अपना जो लाला सदना, वो बोलते थे मदना और सदना मेरे दो लाला, ये रोज खिचड़ी खिलाया करते ठाकुर जी को। लेकिन खिचड़ी कैसे करती तो पता है, जैसे दांतन करती, इधर दांतन करती है और दांतन का दूसरे तरफ में खिचड़ी चलाती है। एक दिन ये संत बोले, बोले तुम क्या कर रहे हो, इधर दांतन कर रहे हो और पीछे से खिचड़ी चला चलाती हो, और कलचे से चलाओ ठाकुर को भोग लगाओगे। फिर कैसे खिलाती थी, स्नान नहीं करती थी, बासी कपड़े में खिचड़ी खिलाया करती थी। बोला कम से कम तो स्नान करके ठाकुर को भोग लगाओगे, स्नान करके नया वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के लिए सही सही तो खिचड़ी बना कर खिलाओ। बोले बाबा हम तो मूर्ख आदमी हूँ, कुछ पता नहीं। बोले ठीक है कल करूंगा। वो बाबा रोज जाते थे ठाकुर को दर्शन करते थे। एक दिन देखा गुल्ली डंडा खेलते, गुल्ली डंडा खेल रहे उस बच्चे को साथ में ठाकुर जी। जब एक दिन देखा, अभी जैसे घर में बाथरूम, पहले घर में बाथरूम होता था नहीं, बाथरूम कहाँ होता था, बाहर जंगल में जाते थे, फिर नदी में इस जमुना में स्नान करती थी। अभी तो समय लगेगा लेकिन कुछ तो देर हो गया। देखना जो बच्चों का स्वभाव है, जो छोटे बच्चे सवेरे उठते हैं ना, फिर मैया का दूध पीते हैं, कोई खाना खाते हैं। अभी वो तो गई स्नान करने के लिए, देर हो गई, देखा दोनों बच्चे बैठ कर ठाकुर रो रहे हैं। बोले मैया भूख लग रहा है, मैया मेरे को खिचड़ी खिला दे, मैया भूख लग रहा है। ये संत देखा, ये भगवान आज कहाँ पवित्र बन करके भोग लगाएगी ठाकुर जी को, ठाकुर जी रो रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी जैसे वो खिलाती थी खिचड़ी है दांतन का पीछे चला दी थी, बिना स्नान किए हुए खिचड़ी खिला दी थी, खुश होकर खाते थे। लेकिन आज पवित्र बन कर खिलाएगी, लेकिन ठाकुर जी रो रहे हैं। जब माता जी आई ना, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं, ठाकुर जी ठाकुर कोई चीज नहीं देखते हैं, जैसे माता है, जैसे बच्चा रो रहे हैं भजन के लिए। आप क्या सोचते हो स्नान करके पवित्र होकर के बच्चे को भोजन कराए, ना जिस समय भूख लगता है उसको खिला देते हो, क्या करते हो? जब भूख लगती है माँ सोचती है क्या अभी कपड़ा बदल करके स्नान करके बच्चे को खिलाए? नहीं, क्यों? ये मेरे बेटा है, ये मेरे बेटा है। उसी तरह भगवान प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं और किसी चीज की ठाकुर जी भूखे नहीं। बोले माता जी तुम जैसे बनाते थे वैसे बना करो ठाकुर, ठाकुर इसी में ही खुश है, ठाकुर जी इसी में ही खुश है। एक दिन ठाकुर जी इनको बोले, ठाकुर जी मैं तेरे साथ में जाना चाहता। वो संत बोले मेरे साथ में क्या करो, यहाँ पर तो रोज रोज मक्खन खाते हो, रोटी खाते हो, मिश्री खाते हो, राबड़ी खाते हो, मैं तो भीख मांग करके थोड़ा चून ले आता हूँ, थोड़ा आटा ला करके पानी में घोल करके पी लेता, नहीं तो बगैर नमक के टिकिया बना करके खा लेता हूँ, तुम क्या करोगे? बोले बाबा जो दोगे मैं वही खा लूंगा, लेकिन तेरे साथ में चलूंगा। बोले तेरे को मैं उठा करके नहीं नहीं ले सकता हूँ, मेरे को पीछे पीछे चल चल कर जाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मैं चल करके तेरे साथ में चला जाऊंगा। मथुरा से वो ठाकुर जी वृंदावन तक चल चल करके आ गए, ठाकुर जी चल चल कर ठाकुर जी आ गए उनको साथ में हैं। इसलिए ये जो मदन मोहन जी है, ये जो मदन मोहन जी है, पहले ये थे कहाँ पर थे, ये जयपुर में थे, लेकिन अभी मदन मोहन कहाँ है, करौली में। बोले करौली की चले गए। कहते जो राजा मानसिंह हैं उनकी एक बेटी थी राजकुमारी, बड़ी अच्छी थी वो, बचपन से ये मदन मोहन को ये सेवा करते थे। आप देखना, आप जिसको अपना हाथों से सेवा करोगे ना उसको साथ में प्रेम हो जाता है। जैसे माँ बच्चे को अपना हाथों से खिलाती पिलाती श्रृंगार करती है, आप जिसी के लिए आप करोगे देखना उसको साथ में तुम्हारी संबंध बन जाएगी। इसलिए नियम है, क्या नियम है, सवेरे उठ करके ठाकुर का स्नान कराओ, उनको श्रृंगार कराओ, ठाकुर को फूल की माला बना कर ठाकुर को गले में पहनाओ। देखना धीरे धीरे क्या होगा, ठाकुर जी से अपनी आप तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। वो तो अपना हाथों से ठाकुर की सेवा करती थी, अभी ये शादी के लायक ही हो गई बेटी। राजा ने करौली का जो राजा था उसको साथ में शादी की तय किया, तब उन्होंने बेटी को बहुत प्यार करती थी, एक बेटी थी राजकुमारी। राजा मान सिंह ने कहा देख बेटी मैं जो दहेज रूप में दूंगा सो तो तेरे को दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन में अगर कोई इच्छा हो तो बोल। बोले पिताजी ये जो मदन मोहन को मैं बचपन से सेवा करती थी, इनको खिलाती थी सुलाती थी श्रृंगार करती थी, इनसे तो मेरा प्रेम हो गया है, अब ये ठाकुर को दे जाओ मेरे दहेज रूप में। देखो दहेज रूप में क्या लेना चाहती है, ठाकुर जी को दहेज रूप में लेना चाहती है। लेकिन उनका नाम ही मदन मोहन, बहुत सुंदर थे ठाकुर जी। बोले देख बेटी यहाँ पर गोविंद देव भी है, गोपीनाथ भी है, और कोई ठाकुर को ले लो, लेकिन ये मदन मोहन को मैं दे दूंगा।
और कोई ठाकुर लेकर, बोले तब भी मैं शादी करूंगी जब ये ठाकुर ग्रहण कर दोगे, तो मैं शादी नहीं करूंगी। अभी बाप और बेटा में लड़ाई होगी, बाप और बेटी में लड़ाई होगी, बेटी को तो शादी देना। बोले ठीक है मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे पास में जयपुर गई कि नहीं आप लोगों ने, जगह हमारे ठाकुर ही ठाकुर है, कितने सारे ठाकुर है, सारे ठाकुर को मैं लाने करके खड़े कर दूंगा, तेरे आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करोगे फिर वही ठाकुर तुम ले जाना है। अभी पूरा जयपुर के लोग इकट्ठे हो गए, ये राजकुमारी कौन सा ठाकुर को लेकर के जाएगी। अभी उनको जब रात को सो गई ना, तो रो रो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते हुए सो गई। तो ठाकुर जी तू तो मेरे प्रेम को जानती हो, बगैर खिलाए मैं खाती नहीं, बगैर सुलाए मैं सोती नहीं, रोज तेरे को श्रृंगार करती हूँ, असली शादी तो मेरे तेरे से हो गया है, प्रेम सब तेरे से हो गया, लेकिन ऊपर से शादी के लिए मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम तो असली पति तो तुम है ना। लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके कि अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तो मदन मोहन हो। देखो ठाकुर जी कितने भक्तवत्सल है, जब सो गई ना ठाकुर जी सपने में आए, बोले देख बेटी कोई चिंता मत करो, तुम्हें एक काम करियो। बोले किया? बोले सारे ठाकुर का शरीर में हाथ लगाते लगाते, जब तुम मेरे पास में आओगे ना, ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगा और मैं समझूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज को कोई देखेगा नहीं, लेकिन तू समझोगे मैं तेरे हाथ पकड़ कर रखी हूँ, फिर बोलना ये ठाकुर तो घर में चला चल जाऊंगा, सचमुच से ठाकुर ऐसे किया तो राजा बोले बेटी तेरी जय होगी, मैं हार गया, तो जीत गई हो मैं हार गया। तब ठाकुर जी जयपुर छोड़कर कहाँ चले गए? करौली चले गए। इसलिए देखो अगर ठाकुर का सेवा पूजा करोगे ना, इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त तो बनो। विरा के लिए जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, विरा से बात करते थे, राणा सोचता था किसको साथ में अंदर में बात कर रही है, अंदर से बंद हुआ है तो किससे ये बात करता है, लगता है कोई दूसरे पुरुष से बात कर रही है, अंदर में कौन है? दरवाजा खोल कर बोले कोई है? बोले किससे बात कर रहे थे? बोले हम तो गिरधर से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहा था। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं वृंदावन में एक संत थे, रोज वो जो निधुवन निकुंज वन में झाड़ू लगाते थे, रोज झाड़ू लगाते थे, एक दिन उन्होंने राधा रानी के चरण की उन्हें नुपुर मिला, अपना गुरु जी को देखा, बोले गुरु जी ये घोर जंगल में सुनने की नुपुर मिला। उनका गुरु जी बड़े पहुंचे हुए संत थे, वो तो देख करके पहचान गए, बोले राधा रानी के चरण की नुपुर है, देखे बेटा देना नहीं जिसको, आप बोलना जिसका चरने की नुपुर वो खुद आए, अपना हाथों से मैं पहचानूंगा। तब राधा रानी स्वयं आई और ये संत अपना हाथों से राधा रानी के चरण की नुपुर पहनाया, और राधा रानी स्वयं हम जो तिलक लगाते हैं ना, और तिलक को बीच में नुपुर से उनको चरण जो नुपुर से उनको तिलक लगा दिए, उनको तिलक लगा दिए। अगर वृंदावन जाओगे वहां पर एक ठाकुर है, उनका नाम श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, देखना ठाकुर भी ऐसे तिलक लगाते हैं, और राधा रानी अपना हृदय से वो ठाकुर को निकाल कर उन्होंने वो संत को दिया है। इसलिए ठाकुर जी और एक संत नंदगांव, नाम सुने हो नंदगांव में, वहां पर रहते थे नंदगांव में, कौन जो मदन मोहन को प्रकट किया, कौन श्री सनातन गोस्वामी, और गोविंद देव को जिसने प्रकट किया ये रूप गोस्वामी, दोनों भाई थे, और जो मदन मोहन को प्रकट किया ना उसी समय में प्राइम मिनिस्टर थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो नवाब का मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, और जो गोविंद देव को जो प्रकाशित किया है ये फाइनेंस ये मंत्री थे हैं, ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई जब एकत्रित होते थे हरि कथा आपस में हरि कथा करते थे, एक दिन बड़े भाई छोटे भाई के पास में आए, दोनों हरि कथा में मस्त हो गए। अभी छोटे भैया सोच रहा है बड़े भैया बड़े दिनों से आए, उनको खीर बहुत प्यारा है, इनको थोड़ा खीर खिलाए, राधा रानी स्वयं आकर के खीर बना करके इनको खीर खिला करके जाती है। इसलिए प्रभु इतने लीला की, इसलिए सांडिल्य ऋषि बोले देख भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए,
अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में रहते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाए उनको ही ठाकुर दर्शन देते, ठाकुर सबको दर्शन नहीं देते। अगर उनको दर्शन देना करना चाहते हो क्या करो, ये ब्रज भूमि को प्रकाशित करो। कृष्ण चले गए धीरे धीरे, उनकी लीला भी धीरे धीरे, उनका लीला स्थली धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहा है। तुम लीला भूमि को प्रकाश करो, फिर ठाकुर जी की तुम्हारे पर में पूर्ण कृपा होगी। जब उन्होंने सारे ठाकुर जी को प्रकाशित किया, लीला भूमि को प्रकाशित की, फिर उनको ऊपर में ठाकुर जी की दर्श कृपा हुई, फिर ठाकुर जी को उन्होंने अनुभूति किया है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, बलसी कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वर्ष भक्त वत्सल भगवान की ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची Oh,
Thank you.
कीर्तन का समय में पानी देना, पता जी जब कीर्तन हो तभी पानी देना, ठीक है, उस समय पानी मिला देना सब। हाँ सब बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय ये कृष्ण का जो 16108 पटरानी आती, उन लोगों ने देखा जब भगवान कृष्ण चले गए, सबके सब कृष्ण विरह में दुखी, लेकिन देखा जो यमुना जो काली थी बड़ी सुखी है। बोले काली दी तेरे को क्या कृष्ण विरह का दुख नहीं? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे को पता है राधा रानी के आशीर्वाद से कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण अभी भी वृंदावन में है। क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य बाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, मेरा घर ही वृंदावन है, मेरे घर छोड़कर कहां जाऊंगा। अभी भी कृष्ण वृंदावन में विद्यमान है, लेकिन पता कहीं चलेगा? बोले श्री राधा रानी का आशीर्वाद से हैं, तभी आपको पता चलेगा। बोले हम भी राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं, हमको ये भी अनुभूति हो। बोले ये बात हमें कौन बताएगा? बोले उद्धव, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजा ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, ये सारे रहस्य उद्धव जी को पता है। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव जी श्री गिरिराज तले थे। गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? हाथ उठाओ। परिक्रमा लगाए गिरिराज, देखना राधा कुंड श्याम कुंड से पहले श्री उद्धव कुंड है। बोले अभी भी वहीं पर श्री घास बनकर उद्धव जी भजन कर रहे हैं। तब उन्हें सबके सब वहीं पर पहुंचे, और वहीं पर पहुंच करके बड़े जोर से एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब कीर्तन किया, कीर्तन का प्रभाव से वहां पर स्वयं ठाकुर जी स्वयं कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए, वहां पर सबके सब कृष्ण के ग्वाल बाल नंदा जसोदा सबके सब प्रकट हुए। तब महिषियों ने फिर कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया, दर्शन किया, फिर वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी को बोले, उद्धव जी जब कृष्ण तुम्हें वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दिया था, हम अभी भी कृष्ण विरह में दुखी, बताओ हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे? देखो ध्यान देकर सुनो। उद्धव जी ने कहा, देखो कृष्ण जब ये जगत छोड़ करके जा रहे थे उस समय मैं भी था, मैं भी कृष्ण को यही प्रश्न किया, कृष्ण ये बताओ अभी तो तुम तो जा रहे हो, अभी तुम्हारी विरह को हम सहन कैसे करेंगे, तुम्हारे दर्शन हमें फिर कैसे होगा? मेरे को कृष्ण खुद बोल कर गए, अगर कोई व्यक्ति कलयुग में कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं और एक उपाय है, मैं अपना तेज को ये भागवत ग्रंथ में रख करके जा रहा हूँ। अगर ये कलयुग में कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, कहते ये भागवत कथा सुनना और कृष्ण से मिलना कोई फर्क नहीं, जो कथा सुन रहे हैं समझो साक्षात श्री मथुराधीश श्री द्वारकाधीश वृंदावन बिहारी गोविंद गोपीनाथ जी को साथ में साक्षात तुम मिल रहे हो। इसलिए कहते कृष्ण कथा है, ये बंगला में कहते हैं कृष्ण कथा है, मतलब कृष्ण कहाँ है? बोले कृष्ण कथा है। कृष्ण कहाँ पर? कृष्ण कथा में। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं नारद जी को, नारद जी बोले प्रभु आपको मिलना चाहता हूं, आपको कहां मिल सकते हो?
कहते मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरी भक्ति भक्त लोग मेरी कीर्तन कथा और मेरी कथा सुनते हैं। इसलिए आप कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, भगवान से मिल रहे हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उन्होंने उद्धव जी को बोले, बोले उद्धव जी फिर आप ही हमें कथा सुनाओ। तब उद्धव जी एक महीना तक ये कथा सुनाए। जबकि कथा सुनाए ना, साक्षात ठाकुर जी वहीं पर कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो महिषियों ने कृष्ण को दर्शन किया और जितने विरह था समस्त दुख कष्ट उनकी चली गई है। इसलिए बोले जो कथा है बोले जो कथा दो तरह की कथा है, दो तरह के श्रोता है। कल मैं सुना रहा था दो तरह के श्रोता है। कैसे कैसे श्रोता? एक अच्छे श्रोता और एक बुरा श्रोता है। एक श्रेष्ठ श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता, साधारण श्रोता। कहते जो अच्छे श्रोता वो चार ही तरह के। कितने तरह के? चार ही तरह के। हाँ, कोई बता सको? तुम मत कहा करो, कोई और कौन बोल सकता है? कौन बोलेगा बोलो? जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के। हम देखूंगा कौन किसको किसको याद है। सब सब भूल गए सब के सब। कौन बोलेगा बोलो? तो एक सब एक का नाम बोलो। हाँ क्यों? हंसव क्यों बताए? ठीक से बताओ, बढ़िया से। हंसव को अच्छा श्रोता में हंसव क्यों बताया गया? हंस को इसलिए बताया गया क्योंकि हंस पानी से उड़ जाता है और दूध दूध को पी जाता है। अच्छे श्रोता वो है जो कथा का जो सार सार को अपना जीवन में उतार देता है और जो असार चीज को उसने छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छे श्रोता उन्हें कहते हैं। मतलब क्या? कथा से हमें गंदी चीज नहीं, अच्छी चीज को जीवन में उतारो और गंदी चीज को छोड़ दो। ये पहला नंबर अच्छे श्रोता। और दूसरा नंबर कौन बोले बताओ? बताओ मछली को क्यों बताया? बोलो जोर से, बोलो ठीक से। इसलिए इसलिए मछली दूसरा नंबर है। मछली का जो पलक है ना वो कभी नहीं झपती है, देखना उसका पलक खुली रहती है। वो क्या करती है? खीर समुद्र में अपलक नयन में बगैर पलक झपते हुए हर समय दूध दूध को पान करती है। उसे उससे उस श्रेष्ठ श्रोता कहते हैं जो कथा में नहीं सोते, कथा में सोते नहीं और एकदम आँख खोल करके एकदम तक तक लगा कर कथा को जो सुनते हैं वहां से एक शब्द भी हमारे चुप नहीं जाए, कथा के सारे रस को हम पान करेंगे। दूसरा नंबर है, ठीक है, माता जी के लिए धन्यवाद। तीसरा नंबर बोलो। तोता क्यों बताया गया? इसलिए तोता, तोता में एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? उसको पता है कौन सा फल कच्चा और कौन सा फल पक्का। वो कभी भी कच्चा फल में जो फल में मिठास नहीं होना वो कभी भी उसमें चोंच नहीं मारेगा। वो मारेगा तो जो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारेगा। मतलब क्या है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ का अपना मुंह मारना शुरू कर देते। मतलब क्या है? कहीं किसकी चुगली हो, इससे तो बढ़िया चीज जगत में कुछ है नहीं। इतने इतने आनंद आता है चुगली में है। इसलिए कहीं इसलिए जहाँ का नहीं मुंह मारता है, जहाँ पर हो बस बोलना शुरू कर दो। नहीं बोले वहीं पर मुंह खोलो। अपना जीवा की तभी सार्थकता है जब ये जीवा से कृष्ण का नाम निकले, भगवान की नाम जब ये जीवा से निकले तभी ये जीवा की सार्थकता है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जो लोग ये जीवा से कृष्ण नाम नहीं करते हैं, तीन बार इधर उधर की दुनियादार की बात करते हैं, वो जीवा कैसे है? बोले दाग बिल तो एक सुता, जैसे मेढक देखना, मेढक बरसात में टट्टर टट्टर करता है, सुने कि नहीं? अरे मेढक का काल कौन? सर्प, सर्प का आहार मेढक। जब ये मेढक टट्टर करता है, सांप देखता है मेरे को अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरा आहार तो मेरे को खुद बुलाना है, धीरे 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 सर्प आएगा, अरे छट पकड़ के खा जाए। इसका मतलब है कि जो सूरज है ना इकाल है, इस पूर्व दिशा में उदय होकर के जब पश्चिम दिशा में उसको अस्त हो जाए, एक दिन हमारे समय गया। हम कहते हैं ना हमारे लाला कितना 10 साल का हो गया, 20 साल में कोई बोले 30 साल 40 साल, हम कोई नहीं हुए हैं। हमारे 40 साल 10-20 साल खत्म हो गया, हम कोई बड़े नहीं हो रहे। हम सबके साथ धीरे धीरे काल का तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सबके सब,
कोई बड़े नहीं हो रहे, हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन शुद्ध गोस्वामी एक बात कहते हैं कि सूरज रूपी काल सबका परमायु खत्म करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु खत्म नहीं कर पाता है। इसके बोले तस्य नीते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक बनता है। जो भगवान का नाम करता है, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, ठाकुर की कथा सुनते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं ना, ये काल का प्रकोप उसको पर पड़ता नहीं। काल और समय जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हो ना, काल सबका परमायु खत्म कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी परमायु के ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? यहाँ पर काल का जो काल श्री ठाकुर जी, उनकी कथा यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कथा उनकी हो रही है। देखो एक छोटी स्टोरी सुनो, मैं कल सुनगा बच्चों से, ठीक है? देखो अनजान में भी भगवान की कथा में बैठ जाओ तो कितने लाभ है। हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले एक समय कोई फेरी वाला था, जैसे गांव गांव में बेचते थे सर पर सामान रख करके, वो एक दिन गांव से बड़े दूर चला गया, देखा वापस आना कठिन है, बोला ये गांव में कहीं रुकने का रात को कोई सुविधा है? बोला मैं ठाकुर जी के मंदिर वहां पर जाओ। जो सोने के लिए गया, आप देखना पहले तो टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, लोग क्या करते थे गाँव के मंदिर में इकट्ठे होते थे, मजरा खोल के लेके ठाकुर का कीर्तन करते थे, भगवान की कथा सुनते थे, यही होता था। जब वो सोने के लिए गया, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और आकर के ढोलकी लेकर के बोले गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय 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 कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन बेचारा दिन भर काम करते करते थकान से आ गया, सोना चाह रहा था, बोले पता नहीं कहाँ से आपदा आ गया, नींद आ रही है, गोविंद जय जय गोपाल। जब सब लोग करेंगे उसको मजबूरी में थोड़ी सी ताली बजा बजा करके थोड़ी तब कीर्तन किया। उसके बाद में एक संत थे, मेरे भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुना, बोलिए कहाँ से घर आ गया। उसने किया कि उनको पता भैया कथा से तो कोई लाभ है ही नहीं, ये तो अपना टाइम पास करना, इससे तो कोई फल है ही नहीं। वो जो कथा सुनी है ना, दीवार में ऐसे सहारा लगा दिया, सार आधा सोए और आधा जगे कथा सुना। उसको पता इसका तो बेकार चीज है, इसे टाइम पास करना, इससे तो कुछ है नहीं है। जैसे अभी की जो जो कथा लिखे बड़े हो जाते ना बच्चे, वो कहते सब बेकार है, सब कल्पो कपल कल्पना, सब बेकार बात ये कथा बता सब है। उसने ऐसे उन्होंने कथा सुने, एक घंटा बीत गया, एक घंटा बीतने पर सबके सब गए, बोले भैया चैन मिला, उसने सो गया। कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में जमदूत आए, उसको लेकर गए। जब महाराज बोले इसके काफी बोले चित्रगुप्त को काफी बोले, बोले बताओ कितने पाप और कितने पुण्य की। बोले महाराज ये तो फेरी का काम करता था, ये तो बोले झूठ बोल बोल के पैसा कमाया है, झूठ बोल बोल इसका कोई पुण्य नहीं। बोले भैया थोड़ी बहुत कुछ होगा, देखो ठीक से। बोले एक पुण्य है, किसी गांव में पहुंचा था, कथा हो रही थी, कीर्तन हो रही थी, एक घंटा उसने कीर्तन कथा किया, इतना और कुछ नहीं। बोले इसको बोले बताओ पाप लोग ना पहले पुण्य लोग। बोले भैया नरक तो जाना ही है, हमें थोड़ा सा पुण्य दे दो है। हमने सुना बोले एक घंटा स्वर्ग मिलेगा पुण्य को, बोले पहले एक घंटा दिखा दो नरक तो जाऊंगा। बोले जब दूर भेज दिया स्वर्ग में ले जाओ, स्वर्ग में वहां पर जो चौकीदार था, बोले ये हमारी आशा में एक घंटा बाद में स्वर्ग भोगा करके वापस दे देना। जब स्वर्ग में गया, स्वर्ग की चकाचौंध तो देख करके, जहाँ रंभा और बस मेनका है, कहते वहां का स्त्रियां कितना सुंदर है। शास्त्र में बताया ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं, इनकी जितने सुंदरता को एकत्रित कर लो, जितने सुंदर, कहते एक उर्वशी जो स्वर्ग में रहती है, इनका सुंदरता कहते एक उर्वशी को सामने बना लो, मतलब इतने सुंदरी वहां के है। कहते वहां पर क्या नंदन का आनंद, जहां पर पारिजात पुष्प जो कभी तक मुरझाता नहीं, हम वहां पर सुधर्मा सभा, वो सभा की ऐसे विचित्रता है, सौ लोग आएंगे तो बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी कभी पूरी नहीं होगा बैठी। अगर हजार लोग आ गए एक कुर्सी तभी खाली रहेगा, लाख लोग आ गए एक कुर्सी, करोड़ भी आ जाए एक कुर्सी कभी पूरा नहीं होगा, हर समय कुर्सी खाली रहेगी।
वहां पर जैसे यहाँ पर लाइट लाइट नहीं, वहां मणि एक एक रखा हुआ अपने आप आलो, कभी इलेक्ट्रिक कभी है यहाँ पर क्या होता है कभी कभी लोड सेटिंग हो जाता है, वहां पर कभी नहीं होती है। इसलिए वहां पर जैसे यहाँ पर ईंट पत्थर से, ईंट पत्थर में सोने चांदी से सब बना हुआ, वो तो देख देख करके उसको कितना समय के लिए गया, एक घंटा के जी जानते हैं, एक घंटा बाद में ले जाएंगे। सोचा भैया थोड़ा घूम घाम कर देख तो लो क्या स्वर्ग में, तब वहां पर देखा एक कोने में कोई जा ही नहीं रहे हैं। तब वो कोने में गए ना, वहां पर बामन देव, वो बामन देव कौन, इंद्र के छोटे भाई, वहां देखा प्रभु बामन देव है, जो कुछ सात्विक संपूर्ण लोग वहां पर बैठे हुए, चतुसन ये कथा कर रहे थे, वहां पर कीर्तन चल रहा था, सबके सब हरी बोल कर रहे थे सबके सब। उसको याद आया अरे ये चित्रगुप्त तो बोल रहा था, मैंने कहीं फेरी का काम करते करते एक घंटा कहीं कथा कीर्तन में बैठा था, इसलिए मेरे को एक घंटा स्वर्ग मिला, यहाँ भी तो कीर्तन कथा हो रही है, अगर यहाँ एक घंटा बैठ जाता तो क्या होगा, मेरे को दो घंटा मिल जाएगा। वो जा करके ना देखता हूँ कथा का कुछ फल है कि नहीं, वो कथा में बैठी करके ना वो भी ताली बजा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अभी हरि बोल करने लग गई, वो भी कथा सुनना शुरू हो गया। अभी एक घंटा जो बीत गया, जमदूत बोले भैया हमारे आसाम को वापस लाओ, गया कहाँ, उसको ढूंढे कहीं मिल नहीं रहे, वे गया कहाँ व्यक्ति, ढूंढते ढूंढते देखा एक कथा में बैठा हुआ, वो कीर्तन कर रहा है। जानते हो जो कथा में बैठते कहाँ बैठे, कहाँ बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, जो कथा सुन रहे हैं। वहां पर गए वापस चले आए, बोले भैया एक घंटा कथा सुना था, एक घंटा स्वर्ग हुआ था, बोले हाँ, बोले उसने स्वर्ग तो भोगा ही नहीं, वो तो सीधा कथा में बैठा, अगर एक घंटा कथा में बैठा उसको स्वर्ग कितना दिन, कितना समय हो गया, दो घंटा हो गया, भैया हम कथा से उसको उठाकर नहीं ला पाएंगे। लेकिन उसने जब देखा एक घंटा बाद में कोई आ ही नहीं रहे लेने के लिए, ये समझ गया कथा का कुछ असर पड़ रहा है, ये कथा का कुछ महिमा, वो उठेगा क्या, अच्छे तरह से बैठ गया, बोले यहाँ से अरु उठना नहीं यहाँ से, उसने दो घंटा इंतजार किया, पर चार घंटा करते करते वो कथा से उठा ही नहीं, और उनको वहां से वापस जाना पड़ा। और वो व्यक्ति कथा सुनते सुनते, देखो कथा सुनने का फल क्या है, बोले श्रीनताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, बोले जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं, ठाकुर जी कथा किससे सुन रहे हैं, कानों से, ठाकुर जी कानों के माध्यम से कहां जाते हैं, हृदय में जाते हैं। उदाहरण देता है श्रुहीति सताम, जैसे आपका घर में आपका बहुत ज्यादा कोई प्यारा कोई फ्रेंड आया, देखा कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन उसमें धूल जमा हुआ, वो नहीं बोलेगा ए तू पहले साफ कर मैं बैठूंगा, उसको प्यारा दोस्त है ना, वो क्या करेगा, खुद रुमाल निकाल कर साफ करके बैठ जाएगा, क्यों, अपना बड़ा प्यारा दोस्त है। सबसे हमारे प्यारा दोस्त तो कौन है, ठाकुर जी है। जब हम कथा सुनते हैं वो कानों के माध्यम से अंदर में जाते हैं, अगर हमारे हृदय में कोई काम क्रोध लोभ है, ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल करके उसको साफ करके ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं, ठाकुर जी उसका हृदय में बैठ गए, पवित्र हो गया, वहीं से भगवत धाम से रथ आया, बैठ करके सीधा भगवान का धाम में गए। अनजान में भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा में बैठ जाए, जैसे आग है, अगर कोई बच्चा को पता नहीं है आग, अगर वो बच्चा अगर अनजान में आग में हाथ लेगा, हाथ जलेगा कि नहीं, अरे बोलो जलेगा कि नहीं, उसको पता नहीं लेकिन तब जलेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति, तुम्हें पता नहीं ये जहर है, अनजान में तुमने खा लिया, उसका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। उसी तरह भगवान की कथा अनजान में कोई सुन ले, भैया ये कथा कभी बर्बाद नहीं, चित्रगुप्त बताए ना, चित्रगुप्त मतलब क्या, गुप्त रूप में सारे फट ले रहा है, वो ऊपर सब बैठ कर फट ले रहा है, क्या ले रहा है, हम कथा में बैठे हैं, ठाकुर की भागवत कथा में बैठे हो, ये कथा कभी बर्बाद हमारी नहीं जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृता मुखी। इसलिए तीसरा नंबर श्रोता कौन हो गए, बोलो तोता हो गया। तोता क्या करता है, वो मीठा फल में ही चोंच मारेगा, जहां तक मुख नहीं मारनी चाहिए। हाँ चौथा नंबर कौन बोलेगा, कौन बोल रहा है, मधु बताओ, क्यों मधुमक्खी को बताए, हाँ माता जी पीछे बताओ, नहीं नहीं वो होता है जो साधारण श्रोता, ये श्रेष्ठ श्रोता हो रहे हैं, मधुमक्खी क्यों बताए, एक व्यक्ति बोलो, तुम बोलो ठीक से,
तो बोलना नहीं है। देखना भले ही टाटा के वृक्ष में फूल के नहीं हो, देखना ये मधुमक्खी वहां भी बैठी करके वो शहद को ग्रहण कर लेगा और उसको लेकर के सुंदर एक छत्ता बना देगा, जो क्या होता है वो मधु जाकर ठाकुर की सेवा में ठाकुर को अभिषेक पे लग जाती है। इसलिए जो अच्छे श्रोता वो क्या करेगा हर जगह से अपना, इसलिए एक मक्खी और एक मधुमक्खी। आप बताओ मक्खी कहाँ बैठता है कहती, और मधुमक्खी कहाँ बैठता है बोलो। इसलिए हमें मधुमक्खी बैठनी चाहिए, हमें मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, गंदी चीज में हमें नहीं बैठनी चाहिए। जहाँ पर भगवान की कथा हो वहां पर बैठो। इसे चार तरह का श्रोता हो गए अच्छे, और चार तरह का श्रोता कनिष्ठ घटिया श्रोता है। कौन बोलिए किसको याद है बोलो। हाँ वो क्या है एक एक बोलो। गुरुड क्यों है जोर से ठीक से बोलो सब सुनेंगे। इसलिए जो घूरन रहे है ये हिमालय, देखो कल फिर जो बोल नहीं पाएगा ना कल सबको पूछूंगा जो बोल पाए कल देखना किसमें याद है ठीक है। इसलिए ये भुरुड रहता है हिमालय पर्वत गुफरी चिड़िया है। इसका एक गुण क्या है इसको जैसे बोलो ना वो ठीक वैसे सुनाते देगा, जीवन में सुन करके सुना देगा, लेकिन वो करते समय उल्टा करेगा, कभी सीधा नहीं करेगा। सुनेगा सुना देगा लेकिन करते समय वो अपना मनमर्जी करेगा, लेकिन अपना जीवन में जो कोई अक्षर भी उतारेगा नहीं, इसको कहते हैं भुरुड। इसलिए जगत में ऐसे कुछ श्रोता है सुन भी लेंगे सुना भी देंगे लेकिन अपना जीवन में कोई चीज को उतारेंगे नहीं। दूसरा नंबर क्या है ऊंट बोलो। ऊंट का क्यों, ऊंट का उदाहरण दिया बोलो, ऊंट की उदाहरण दिया है जोर से बोलो। इसलिए जो ऊंट है अब तो राजस्थान में बहुत ऊंट है, आपको कोई आम सा कोमल कोमल पत्ता बढ़िया पता दो वो खाएगा वो नहीं खाएगा, देखेगा कौन सा पेड़ में कांटा वो उसको खाएगा। बोले क्यों, जब उसको खाता है ना उसको लगता है इसमें कोई रस, लेकिन रस नहीं, वो जो कांटा खाता है उसका जीभ भी चुभती है, चुभने पर उसका मुंह से खून निकलता है, वो अपना खून को खुद पीता है लेकिन सोचता है भैया कांटा में कितना स्वाद है। इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी जिसमें शांति मिले वो कथा को नहीं सुनेगा, वो क्या सुनेगा जिसमें कांटा है, मतलब जहाँ पर सब माताएं बैठ करके इसकी बहू को साथ में सास की लड़ाई हो गई, उसको घर में छोरा भगा करके छोर में ले गया, उसको घर में ये लड़ाई, देखना सारे बात बैठ करके दुनिया की है सारी बात वहीं पर करने लग जाए। लेकिन अगर कहीं प्रभु की कथा हो ना उसको अच्छी नहीं लगेगी, उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस सब के सब कौन है, ये ऊंट है। तीसरा नंबर क्या है, भेड़िया। भेड़िया क्यों उदाहरण दिया और बोलेगा बोलो, भेड़िया को क्यों उदाहरण दिया है और बोलेगा बोलो जोर से। इसलिए ये भेड़िया ये छोटा जाति की बात होता है, ये जो भेड़िया इसको पता है किसी हिरण को मैं कैसे पकड़ नहीं पाऊंगा, हिरण भाग जाएगा, लेकिन कब पकड़ेगा जब हिरण कोई सुली कोई सुंदर शब्द सुने ना, आप देखना उसकी तान खड़ी हो जाती है एकदम मुग्ध होकर के सुली शब्द को सुनेगा, उसी समय में जाकर के भेड़िया उसको पकड़ता है। इसका मतलब ऐसे कुछ लोग है, ध्यान देकर सुनोगे माताओं के लिए, ऐसे कुछ माता है कुछ लोग है खुद कथा नहीं सुनेगी, अगर पास में कोई ध्यान से कथा सुन रहा है ना उसको कथा सुनने नहीं दे, बिना कारण के कारण उसको बैठ के तू बिना कारण की बात करते रहे, तेरे घर में क्या हो रहा था क्या खाना बना है, हैं? इसलिए उनको भेड़िया बताया गया है। और जो तीसरा नंबर है चौथा नंबर पैर किस लिए बताया, हाँ इसलिए इसके ताली हो जाओ बचिए। कहते क्या है, कहते जो बैल को आप बड़े सुंदर सुंदर फल दो उसको घास भूसा दे दो ना, ये इसमें कोई अंतर नहीं समझता है, ये दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या, ठाकुर की कथा हो नहीं तो किसी चुगली हो नहीं तो दुनियादारी कथा हो, ये दोनों को जो बराबर मानते हैं वो कौन है, कहते बैल हैं। ये चार तरह का घटिया श्रोता हो गए और कथा हो गया चार तरह का, कितना तरह का कथा है, क्या क्या है
बोलो कौन कौन बोलेगा, बोलो क्या कथा चार करेगा, सात्विक, राजसी, तामसी और निर्गुण, ये चार तरह का कथा है। फिर कल हमने बहुत सुना है आप लोगों को पता होगा, इसलिए सात्विक कथा उसको कहते हैं एक महीना दो महीना सुने उसको बाद में फिर कोई मतलब नहीं कथा में। उसके बाद में राजसी, राजसी कथा मतलब होता है सबको दुनिया को बुलाएगा कथा सुनाने के लिए, लेकिन स्वयं कथा नहीं सुने, कौन कहाँ पर रुका, कौन खाया नहीं खाया, इसी में ही जो अपना समय को बिताता है, लेकिन कथा तो आयोजन करते हैं लेकिन कथा में जोर नहीं बैठता है, हैं? इसको कहते हैं कि राजसी। तामसी कथा कहते हैं जैसे सात दिन कथा हुई, कभी कथा सुने कभी नहीं सुने, मन नहीं लगा, एक चक्कर लगा कर आ जाता है, नहीं कथा में लास्ट में आए, किसी तरह से सात दिन जो बिताता है इसको तामसी कथा कहते हैं। लेकिन सही कथा क्या है, बोले सदा से प्यम सदा से प्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। सही कथा वह है जो नित्य नियम करके अपना घर में गीता हो भागवत हो रामायण हो भक्ति ग्रंथ को रोज रोज अपना घर में जो पढ़ता है, जिसने संपूर्ण अपना जीवन को प्रभु का प्रेममय बना दे, प्रभु की भक्तिमय बना दे, इसलिए नियम किया है रोज घर में कुछ ग्रंथ पढ़ो। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी आए थे ना, किसी ने आकर के बोले गुरुदेव मैं बेटा बात नहीं सुनता, इधर के पिता है बेटा बात नहीं, देखो गुरु जी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को भी रामायण पढ़ाएगा, बोले नहीं, बोले इसीलिए तो बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते, अगर तुम रामायण पढ़ते कहाँ पर बताया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर बताया पिता माता की चरणा चुननी चाहिए, रामायण से क्या होता है, इसलिए रामायण में आता है ना प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमैनाथा, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले किसकी प्रणाम करते थे, पिता माता को सबसे पहले। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, देखो देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान राम जाकर स्वयं अपना हाथों से पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, लेकिन सीखेगा कब, जब रामायण पढ़ेगा गीता पढ़ेगा तभी तो सीखेगा, लेकिन हम क्या करते हैं खुद तो पढ़ते नहीं बच्चों को भी पढ़ने भी नहीं देते हैं, क्या देते स्मार्टफोन ले 10,000 20,000 बच्चा स्मार्टफोन ले ले जिसमें जीवन बिगड़ जाएगा, मोबाइल में दिन भर लगेगा, इसलिए समय किसका कर रहे हैं मोबाइल का, जैसे समय करेगा वैसे रंग चढ़ेगा उसके ऊपर भी, इसलिए अगर हम चाहते हैं अपना घर को अयोध्या बनाना, क्या बनाना अयोध्या मतलब जहाँ पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, अवध मतलब क्या जहाँ पर कभी कोई मरते नहीं, अवध अगर बनाना चाहते क्या करो, राम जैसे बेटा हो सीता जैसे बहू हो और बेटे कैसे लव कुश जैसे बेटे हो और घर में रामायण ग्रंथ हो गीता हो, ठीक है ना, क्या करना है पहले तो अपना पहला गुरु माता पिता, बच्चे को संस्कार कहाँ से पढ़ता है, अगर दिन भर माँ अगर स्मार्टफोन लेकर बैठी है बच्चे को बोलते तो मत देखा कर, बच्चे सुनेगा, बोले तू तो दिन भर लेकर बैठ देती टीवी दिन भर देखती हूँ हमें कहती मत देखा कर, वो सुनेगा नहीं, अगर देखेगा माँ भजन कर रही है बाप भजन करता है बच्चे भी क्या करेंगे वो भी भजन करना शुरू कर देंगे, हैं? इसलिए पहला गुरु माँ और पिता ही है पहला गुरु, सबसे पहले क्या करो भजन करो, हैं? दिन भर भजन करो भगवान की भक्ति करो, भक्ति करोगे तो तभी बच्चे को बड़े संस्कार पड़ेगा, तभी बच्चे किसी ना कुछ तुमसे सीखेगा, ठीक है, इसलिए खुद भजन करो, जिस घर में सारे बच्चे पिता माता भजन करते हैं वो घर घर नहीं वो घर भगवान का धाम, बोलो तो वृंदावन हो जाता है घर, तो घर में फिर गंदी चीज नहीं आएगी, शराब घर में नहीं आएगी, मांस नहीं आएगा, मछली अंडा प्याज उसमें नहीं आएगी, वो घर में ठाकुर का कीर्तन होगा भजन होगा, फिर घर जिस घर में भजन पूजा हो वो तो भगवान का धाम ही है, नहीं तो फिर घर नर्क बन जाएगा, हैं? कोई गजड़ी भंगेड़ी शराब पियो के घूमते रहेंगे, इसलिए अगर चाहते हो घर को धाम बनाने के लिए पहले गीता रामायण नित्य भागवत पढ़ो और बच्चों को अंदर भी वो संस्कार बच्चों को अंदर में डालो। अब इंडोनेशिया का नाम सुने वो जहाँ मुसलमान करते हैं, हमारे भारत से संतों को बुलाते हैं यहाँ से, बोले क्यों, बोले हम रामायण सुनते, बोले रामायण क्यों सुनना चाहते हो, बोले रामायण सुनने से हमारे घर की जो बहू वो चरित्रवान होगा, क्या होगा, भगवान राम ने सीता को त्याग दे दिया, क्यों त्याग दे दिया, कारण क्या, एक धोबी ने गई थी अपना पीहर, आते समय एक नदी पार करना पड़ता था, उसमें केवट सो गया था, एक रात केवट और घर में बिताया,
इसलिए जब पता चला वही पति पिता। फिर पूरे राज्य में हल्ला क्या हो गया, सीता को रावण उठा कर ले गया, आया तो भगवान राम अपना बाम पास में फिर बैठा दिया, लेकिन सीता को रावण ने उठा कर लिया ही नहीं, वो नकली सीता थी, असली सीता थी नहीं, प्रभु को लीला करना चाहिए था। लेकिन भगवान कहते इस मुसलमान लोग कहते हैं अगर हमारी बेटी को ये सब बात को सुनेंगे तो सती बनकर रहेंगे, चरित्र बात बनेंगी है, और बच्चे पिता माता को आदर करेंगे। इसलिए हम रामायण मुसलमान लोग देश में रामायण हम एक मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, और यहाँ से संतों को रमेश भाई गोचा इनको बुला बुला कर मुसलमान कंट्री देश का लोग बुला बुला कर लेते हैं, यहाँ पर हमको रामायण सुनाओ। रामायण सुनने से घर में शांति सुख रहेगा, भाई भाई में प्रीति कई से है। देखा है ना भगवान राम स्वयं पिताजी की आदेश पालन करने के लिए क्या किया, 14 साल के लिए वनवास गए, गए कि नहीं 14 साल के लिए वनवास गए, इसके आदेश अपना माँ कौशल्या नहीं कई के लिए, अपना विमाता के लिए है, अपना माता के लिए नहीं, लेकिन 14 साल के लिए अपना बच्चे को खुद बोलो बेटा तू 14 साल के 14 साल क्या 14 दिन के लिए मेरे आदेश को पालन करने के लिए काम करने जा बेटा जाएगा, अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने चले जाएगा यार दोस्तों सामने, लेकिन एक दिन के लिए भी पिताजी के आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा बच्चा। कारण क्या, हम रामायण नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं, ये शिक्षा दिया। भाई भाई में कितना प्रेम देगा, देखा है ना भारत को राजगद्दी दे दिया लेकिन भारत लिया ही नहीं, उनका चरण पादुका को उन्होंने पूजा, चरण पादुका को उन्होंने पूजा की, लक्ष्मण कैसे राम के साथ में कैसे सेवा की राम को जानते हो, ये क्यों भगवान ये आदर्श रखकर क्यों गए, क्यों ये रामायण ग्रंथ लिखी हुई, अगर मेरे बाद में अगर ये ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो घर में शांति सुख रहेगा, घर में शांति सुख रहेगा, घर में लड़ाई नहीं होगी, लंका घर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, घर अयोध्या बन जाएगा, भगवान का धाम बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या कर, रोज रोज रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, देखना घर में शांति सुख छा जाएगी घर में है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद बोले जय जय श्री राधे, एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम, जोर से बोलो हरे कृष्ण करेगा उसको 3 काम हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा किसको याद है बोलो भैया लोग, 3 काम क्या हो जाएगा और बोलेगा बोलो ठीक से बोलो, कौन बोलेगा जो निर्धनों को धन मिलेगा संतान, नहीं 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 नहीं, जो भगवान का नाम जप करेगा 3 करेगा उसको 3 काम होगा, क्या कौन कौन बोल सकता है, लगता है हम लोग सुनते हो गई बैठ कर सोते हो, लगता है भूलना नहीं, इसलिए जो भगवान के नाम जप करेगा पहले जमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते, चित्रगुप्त कौन है जो सारे हमारे फटो लेकर के लिखा जोखा जो करते हैं, इसलिए चित्रगुप्त को बुलाएंगे, बोले चित्रगुप्त इधर आ जा, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दे, ये हरिनाम कर रहा है ये कभी नर गौरव नहीं आया, दूसरा काम क्या है गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले सखी रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, ये नाम कर रहा है ना इसको रजिस्टर का नाम को चला दे, नाम को लिख दे अभी वो वैकुंठ भगवान के धाम में आएगा, तीसरा काम क्या है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती के थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते हैं, ये व्यक्ति हरिनाम कर रहे जब भूल भुवा मोह जना तप सत्य लोक को पार करते हुए कहां वैकुंठ जाएगा, उसको बीच में मैं उसको आरती करूंगा, इतने महिमा प्रभु का नाम जप करने का किसको याद हो गया, बोलो किसको याद हो गया, ये दुनिया की बात हम याद करते हैं, भगवान की बात याद करते हैं,
सावरिया मीठे मीठे पद मधुर तेरे बांसुरिया जो भगवान के कीर्तन में जो नाच लेते हैं ना, जो भगवान के कीर्तन में जो नाचते हो, मैं देखा यहाँ की माताएं बहुत अच्छी नाचती हो, है राजस्थान की माताएं, जो भगवान के कीर्तन में नाचेगा ना, कभी ये संसार में, फिर ये संसार का दुख है, इधर सुना संसार में जो दुख नाचे है उसको नाचना नहीं पड़ेगा, कभी जो भगवान के कीर्तन में नाच ले उसको 84 लाख युग में नाचना और नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर 84 लाख युग में नाचे हो। एक बार सब सब खड़े हो जाओ आज, क्योंकि किसको विश्राम करने का मौका नहीं मिला, भोजन क्या सीधा बैठ गए, अरे हम देख रहे हैं सबको नींद आ रहा है, सब एक बार खड़े हो जाओ नाच लो उसके बाद में बैठ जाओ, चड्डा हो जाओ Hare 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 Hare
सत्यम परम धीमहि। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते ही तीन श्लोक को द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किया। कहते मंगलाचरण मतलब होता है जैसे कोई काम शुरू करते हो, अगर भगवान को स्मरण करते हुए ठाकुर का कीर्तन करते हुए कोई भी काम करो, कहते ना मंगल भवन अमंगलाकारी, वो काम बहुत अच्छे तरह से हो जाता है। जितने विघ्न हैं वो सारे विघ्न दूर हो जाता है, वो काम अच्छे तरह से संपन्न हो जाता है, उसको कहते हैं ये मंगलाचरण है और इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए तीन श्लोक उन्होंने मंगलाचरण किया। जो ये पहला जो श्लोक है इसको बताया ये ध्यान, ये भागवत का इष्ट कौन है, हैं? और जीवन में हम संबंध किसको साथ में जोड़नी चाहिए, ये जो पहला श्लोक है। इसलिए बोले सत्यम परम धीमहि, कि तो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। अभी प्रश्न आता है भैया परम सत्य कौन है, क्योंकि इस श्लोक में किसका नाम नहीं दी गई, उनका केवल गुण गुण बताया, किसका नाम नहीं दिया गया। इसलिए ये भागवत ऊपर भी इतने टिका है, इतने व्याख्या जो सोच भी नहीं सकते। जो शंकर जी को भजन करते हैं ये श्लोक को तो उन्होंने शंकर जी में लगा दिया, लेकिन जो माँ देवी को पूजा करते हैं तो माँ देवी में लगा दिया, जो गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश जी में लगा दिया, जिसकी इच्छा सब सब में लगा दिया। लेकिन यहाँ पर वैष्णव जन कहते हैं बोले नहीं, ये श्लोक किसी देवा देवी के लिए नहीं, ये जो श्लोक है ना केवल ये भगवान श्री गोविंद देव के लिए, श्री मथुराधीश भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं। क्योंकि जो परम सत्य है केवल भगवान कृष्ण ही है, ये भगवान कृष्ण बोले इसका प्रमाण किया। हम आगे सुनेंगे जब भगवान मातृ गर्भ में देवकी के पेट गर्भ में आए, 33 करोड़ों देवता भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य सत्य स ज्योनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरण प्रपद। भगवान कृष्ण को ही परम सत्य कहते, जो पहले थे अभी और बाद में जो रहेंगे, हैं? कहते और सब देवा देवी क्या असत्य है, ये सब के सब सत्य नहीं असत्य है। आप देख लेना भले जीवन में आप जिनको पूजा पूजा करो, लेकिन देखना जब शरीर छूट जाए, जब एक व्यक्ति को चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, देखना वहां सब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा सुने के ही बोलते हैं। मतलब क्या उसको सुनाते, बेटा जीवन में तुमने जितने राम और कृष्ण के नाम लिए अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ संसार में किया ना अपना जीवन केवल तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है।
जिस पत्नी को तुमने सात फल लगा करके शादी की, जब पति का शरीर छूटता है पत्नी कहाँ तक चलेगी? वो दरवाजा तक चलेगी, उसको आगे ये पत्नी नहीं चलती है। और थोड़ी दूर तक शमशान तक परिवार लोग चलते हैं और वहीं पर मुखाग्नि दे करके जला करके बाहर स्टार्ट आकर के घर से वापस आ जाए, पर उसका आगे कौन जाएगा? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन वस्तु परम सत्य कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब यहाँ प्रश्न करते हैं, क्या केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम किया ना, और किसको प्रणाम कर रहे? बोले नहीं, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, कहते उनको साथ साथ में उनका जो पराशक्ति श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। आप वृंदावन गए होंगे, कौन कौन वृंदावन गए हो आप? देखना वृंदावन में किसके नाम लेते हैं सबके सब? जोर से बोलो और जोर से। वहाँ पर कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं? सब राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले कारण क्या है? बोले कारण है, कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे भैया ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करनी चाहिए। अगर तुमको ब्रज भक्ति चाहते हो, ब्रज प्रेम चाहते हो, किसकी संग करो? ब्रज राधा कृष्ण दोनों को जो भक्ति करते हैं, राधा कृष्ण दोनों को भक्ति करनी चाहिए, अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अकेला पूजा करोगे ना कृष्ण को, वो कृष्ण वहां नहीं आएंगे, क्योंकि राधा जी का नाम से कृष्ण खुश होते हैं और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती है। कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं आएंगे, राधे राधे रटो चले आएंगे, तभी कृष्ण वहां आएंगे जब राधा जी का नाम लोगे। इसलिए हम लोग जो नाम लेते हैं ना, ये हरे कृष्ण, बोलो एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हरे मतलब क्या? राधा रानी, ये हरा से हो जाता है हरे, हरे मतलब हे राधे के, कृष्ण मतलब हे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इसलिए पहले राधा का नाम, फिर उसको बाद में कृष्ण का नाम। इसलिए जो पहला जो श्लोक है वो ध्यान है, किसको ध्यान करते हो? जुगल सरकार, जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण को हम ध्यान करते हैं। बोले वो कैसे हैं? बोले जिनकी माया ऐसे है ना, बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया में मोहित हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे, इंद्र भी जिनकी माया में मोहित हो गए, ब्रह्मा भी हो गए, शंकर भी हो गए, सारे देवता को हैं, कहते सारे दुनिया को जो नाच नचाने वाले कौन है?
हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हैं, दुनिया को जो नाच नचाने वाले, और जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में वो सारे ज्ञान को, जिसने ब्रह्मा जी का हृदय में उन्होंने स्फुरण कराया, ऐसे जो भगवान कृष्ण हम सबके सब राधा कृष्ण जुगल की वंदना करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की जय। दूसरा जो मंगलाचरण है, कहती है भागवत प्रतिज्ञा करता है। बोले भागवत क्या प्रतिज्ञा करता है? जैसे किसी बात को अगर हम तीन बार बोल देते ना तो पक्का हो जाता है, इसलिए तीसरा श्लोक में यहाँ पर तीन बार अत्र, अत्र मतलब है ये भागवत ग्रंथ में क्या चीज है, भागवत प्रतिज्ञा क्या करता है। बोले पहला प्रतिज्ञा है, बोले धर्म प्रोजीत कर्तव्य अत्र, मतलब भागवत में कोई कपटता की बात नहीं, इसमें कोई कपटता बात नहीं, केवल निर्मत्सर संतों के लिए ये बात बताई गई। और दूसरा अत्र है बोले वेद्य वास्तव अत्र, जिसमें वास्तव सत्य भगवान के प्रेम को जहाँ पर वर्णना की गई। बोले तीसरा जो अत्र है बोले सद्य हृदय अवरुद्ध, देखो कथा की कितने महिमा यहाँ पर बता रहे, जैसे श्री क्या नाम लोकेश जैसे इनके घर में कथा हो रही, अड़ोसी पड़ोस में किसको पता चला, नहीं तो तुम्हारे परिवार में किसको पता चला इनके घर में भागवत कथा हो रही, अभी घर में बैठे हैं, क्या बोले किसकी अगर हृदय में इतनी सी बात आ जाए भावना, वो कथा कथा हो रही है, हम आज कथा सुनने जाएंगे, जब इतना केवल इच्छा कर दिया ना उसका हृदय में ठाकुर जी आकर के, जैसे एक व्यक्ति अपने आप को घर के अंदर में जाए और अपने आप को कुंडी से बंद कर दे, ऐसे ही श्री वासुदेव जी हरि कृष्ण उसके हृदय में ऐसे बंद जाते, निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा, केवल सुनने की इच्छा मात्र, लेकिन जो सचमुच से आकर कथा में बैठ गए क्या, तो उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, जो भागवत कथा में आकर के बैठे और जो कथा सुन रहे हैं। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, शंकर जी कहते हैं कथा में वही आ सकता है जिसको ऊपर में अति, अति मतलब जिसको ऊपर भगवान की डायरेक्ट नजर पड़ गया, भगवान की डायरेक्ट कृपा जिसको ऊपर हो गया ना, वही व्यक्ति आकर कथा में बैठ कर कथा को सुन सकते हैं। कथिये प्रतिज्ञा। बोले जो तीसरा नंबर श्लोक है ये आशीर्वाद, इसलिए भागवत को बताया कि क्या है, ये भागवत नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे हो। बोले भैया कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? बोले कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जिसको नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे ये भागवत आपको सो देते। कल सुन रहे थे ना, जिनकी संतान थी उनको संतान देता है, जो दुखी उसको सुख देता है, जो रोगी उसको निरोग करता है, जो दुखी उसे सुख करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करते हैं। इसलिए कहते भागवत से जो मांगोगे ना भागवत आपको वही समस्त इच्छा को भागवत पूरी कर देता है, सब इच्छा पूरी कर देगी। लेकिन और एक बात को सावधान करा देते हैं, बोले भैया भागवत से छोटे मोटे चीज मत मांगा करो, बड़ा चीज मांगो, जो एक चीज मांगो तुमको जीवन में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और ऐसे चीज मांगो जो इसी जीवन में भी सुखी रहो और दूसरे जीवन में भी आनंद ही आनंद मिले। ऐसे चीज मत मांगो जो दो दिन बाद में फिर दुख का काम हो, बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा मांग लिया फिर बाद में बेटा बात नहीं सुनता है, पैसा नहीं पैसा नहीं, पैसे मांग लिया फिर लेकर भाई भाई बहु में लड़ाई, कैसे मामला भक्तमान चले जाए। इसलिए ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो ना तुमको जीवन में सब चीज तुमको मिल जाए। देखो एक छोटी स्टोरी सुन लो, एक छोटी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय एक व्यक्ति शंकर जी को पूजा की और भोले बाबा खुश हो गए, लेकिन वो व्यक्ति था अंधा है। शंकर जी जब खुश हो गए, शंकर जी बोले भैया वर मांगो। बोले प्रभु जी मैं तो तीन वर मांगूंगा। शंकर जी बोले नहीं,
जो मांगना एक बार मांगो, तीन बार नहीं दे सकता हूँ, जो मांगना एक बार से मांगो। लेकिन वो अंधा पहले सोच करके आया था, पहले शंकर जी अगर खुश हो जाएंगे ना, पहला बार मांगूंगा मेरे आंख में रोशनी आ जाए, मैं देखने लग जाऊंगा, दूसरा बार मांगूंगा कुछ पैसा मिल जाए, और तीसरे बार मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए, पहले वो सोच करके आया। लेकिन शंकर जी बोले नहीं, जो बार मांगना एक ही बार मांगो। अंधा ने सोचा क्या क्या मांगे, बड़ा चाप चतुर था, बोले ठीक है मेरे को एक ही बार दो। बोले क्या बार है? बोले मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी के पीठ के ऊपर बैठ कर एक सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखा। नीचे जो गैस है ना, नीचे लगता है गैस किसकी, नीचे जो काम करते हैं उनको बोल दो गैस लगवा रहे हैं, इसलिए आवाज लेकर बोल दो, इसलिए उन्होंने क्या बोले, इसलिए उन्होंने क्या बोले, समझ में आ गई? अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में, राजमहल के ऊपर में, राजमहल में कौन रहता है, राजा रहते हैं, और हाथी को पीठ के ऊपर कौन, राजा महाराज बैठते हैं, और सोने की कटोरी में कौन खाएगा, गरीब खाएगा ना, धनी लोग खाएगा, सोने की कटोरी में कौन भोजन करता है, धनी वाले लोग। सोने की कटोरी में अपना बेटे को दही चावल खेते खाते हुए, दूध चावल खाते हुए देखो, अपना बेटे कब होगा, जब शादी होगा तब तो बेटे होगा, फिर देखेगा कब, जब आंख है तब तो दिखेगा ना। मतलब उसने ऐसे एक बार मांगा है ना, उन्हें एक बार में उन्होंने सब कुछ मांग लिया। शंकर जी समझ गए भैया अच्छा लगा, हाँ इसके तो उसी तरह भगवान से ऐसे एक चीज मांग लो ना, जब सब चीज तुम्हें मिल जाए, सब चीज तुमको मिल जाए। कहते यो क्या है, कहते ठाकुर की सेवा और उनका भक्ति, उनका प्रेम। हनुमान जी का नाम जानते हो, जब भगवान हनुमान जी से सीख लो ये चीज को, जब हनुमान जी के ऊपर में प्रभु राम खुश हो गए, माता सीता को उद्धार करके अयोध्या ले आए, भगवान राम बोले, भगवान राम बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, ये सीता की उद्धार नहीं हो सकता था, आज जो कुछ मांगोगे दिल भर कर मांग लेंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार। भगवान प्रसन्न होकर बोले फिर मांगो। हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार 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 मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु अगर आप मेरे पर खुश है ना, आपकी चरण में एक बार नहीं बार बार में भर मांगना। बोले क्या, आपकी चरण की सेवा, आपकी भक्ति, और हमें अनुपायनी निष्ठा भक्ति ये हमें प्रदान करो, और संतों की संगत, संतों की संगत दे। तो हनुमान जी देखो प्रसन्न है, जब दिन रात रघुपति राघव राजा राम पति पावन दिन भर करते के राम से सेवा मिल गया ना बाल जीवन में। अगर तुम्हारे पिता अगर तुमको मिल गए, पिताजी का सारी संपत्ति का मालिक तो तुम ही बनोगे। जब तुमने पिता को मांग लिया, बच्चे को पिताजी का सारी संपत्ति बच्चे को मिलेगा ना। जब तुम भगवान की भक्त बन गए, भगवान के पिता बन गए, तुम्हारे पिता कौन है, जगतपति जगन्नाथ भगवान कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का वो मालिक है। जब उनकी चरण की सेवा भक्ति करोगे सारे संपत्ति के मालिक तो तू बनोगे। इसलिए क्या मांगो, ठाकुर की चरण में भक्ति, उनकी चरण की सेवा को मांग लो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, कहते निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत पका हुआ पहले है। इसलिए क्या कहते हैं, बोले पी बताओ, कभी फल को पियो, फल को क्या करो आप बताओ, फल को खाते हो ना फल को पीते हो, खाते हो पीते नहीं, जूस पीते हो, इसलिए कहते इसको खाओ, क्या बोल रहे हैं, इसको पियो, इसको पियो। बोले पियो के कैसे, देखना हर फल में गुठली और छिलका होता है, लेकिन ये भागवत ऐसे रस है जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका नहीं। अभी ये रस को हम पान कर रहे ना, पान कर रहे हो ना आप, बताओ पान किधर से कर रहे हो, मुंह से कर रहे हो कान से कर रहे हो, कानों से। कहते ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किससे पी जाती, कानों से। देखो मुंह से पीने का कानों को पीने का क्या फर्क है, आप कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे आप अंदर भी रख नहीं सकते, वो निकलेगा, वो निकलेगा, लेकिन जो चीज तुम कानों में पियोगे वो चीज निकलेगा, वो चीज नहीं निकलेगा। इसलिए क्या करो, उसको मुंह से नहीं पी कर किससे पियो, उसको कान से पिया करो। कहते भैया पीते तो भाई सब निकल जाता है, रहती नहीं अंदर, हमारे अंदर छेद ही छेद है।
काम क्रोध लोभ मोह सब छेद दिए, वो रहती नहीं, सब निकलती जा रही है। इसलिए बोले बोले अभी क्या करें, बोले मोह रहो, इसको बारंबार कथा रस को बारंबार पीते रहो। एक उदाहरण देकर समझा, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखने को उत्तर देना है। जैसे एक घड़ा है, घड़ा में छेदी छेद, अगर उसमें कोई पानी डालोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही घड़ा में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें पानी डालोगे ना, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। कौन बोलेगा, ऐसे क्या उपाय है, घड़े में छेद ही छेद है लेकिन पानी डालोगे तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, पानी डालोगे लेकिन पानी वहां से निकलेगा नहीं, भैया निकल, ताली बजाओ भैया, सही बात। अगर वो घड़े को, अगर वो घड़े को आप पानी में डुबो कर रख लोगे ना, भले जितना छेद क्यों नहीं हो, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्यों, वो ऑलरेडी पानी को अंदर में ही डूबा हुआ अंदर में। इसलिए उसी तरह उसको शिक्षा देते हैं, कहते मोह रहो, यद्यपि हमारे हृदय में तरह तरह का कामना वासना भरा पड़ा हुआ। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर जो बैठे हो, आपका काम सता रहा है ना, क्रोध सता रहा है ना, लोभ कोई सता रहा है, आपका मन में और कोई चीज आ रही है क्या? ठाकुर के बगैर हमारे हृदय में और कोई चीज अभी नहीं आ रही, क्यों, ठाकुर की कथा में हम बैठे हुए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति ये कथा रूपी रस में हर समय डूबा रहेगा, हैं, डूबा रहेगा तो उसका कभी काम क्रोध लोभ उसको कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए बोले भैया रस को कौन पान करता है, रस को कौन पान करता है, करके बोले दो व्यक्ति ये रस को पान कर सकते हैं, बोले जो भापु और जो रसी के है, यही दो व्यक्ति ही कथा रस को पान कर सकते, मतलब जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति वही व्यक्ति ही प्रभु की कथा को सुन सकते हैं। इसलिए ये भागवत हमें ये आशीर्वाद देता है, बोले भैया ये रस को पान किया तो किसने पान किया है, ये रस को कौन कौन पान किए, बोले भगवान के भक्त लोगों ने पान किया, ठाकुर जी को भक्त लोगों ने पान किया, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है जो ये रस को पान किया है, बोले जो ब्रज की जो गोपियां है ना, ये पूर्ण रूप में यद्यपि कृष्ण भक्ति सभी ने की है, लेकिन ये ब्रज की गोपियों ने जैसे भक्ति की ना, ऐसे भक्ति दुनिया में कोई नहीं किया, इसलिए इनका नाम है गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती रहती है, ये कौन है, ये ब्रज की गोपियां हैं। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब हमारे जो गरीब गुरु जी एक सुंदर कथा सुनाते थे, कैसे ये गोपियां कृष्ण भक्ति रस को पान करते हैं, सब लोग याद कर लेना, ठीक है, कल हम सुनेंगे सबसे। देखो एक कथा सुन लो, बोले एक समय ब्रज में कोई एक नई गोपी शादी करके आई, एक जब भगवान कृष्ण जब ब्रज में लीला करते हैं, ये गोपियां कोई लड़कियां नहीं है, जो पूर्व पूर्व जन्म में जब भगवान राम दंडकारण्य में गए, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे, अभी भगवान राम को देख करके ना उनको कृष्ण भी याद आए, अभी राम को उन्होंने पति रूप में प्रार्थना किया, प्रभु हमें पति रूप में प्राप्त हो। बोले देखो ये राम अवतार में ये गोपियों को ये अकेला रात सीता को छोड़ करके मैं ये अवतार में और किसको मैं ग्रहण कर नहीं सकता, एक सीता के सिवा, लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा ना, फिर तो अनंत करोड़ों गोपियों को साथ में शादी करूंगा, इसलिए तुम सबके सब वृंदावन में क्या बनो, गोपी बन करके आओ। जो ऋषि मुनि लोग थे ये सबके सब गोपी बन करके आए, हैं, कहते कुछ वेद का मंत्र था, ये भी कठोर तपस्या की भगवान को पाने के लिए, बोले तुम सबके सब वृंदावन में गोपी बन करके आओ, ये गोपियां कोई लड़की नहीं है, हैं, ये करोड़ों करोड़ों जन्म की पुण्य से ये सबके सब कृष्ण की गोपी बन करके सबके सब आई। एक नई गोपी आई शादी करके, जो शादी करके आई नई गोपी, लेकिन पूर्व जन्म में तो कृष्ण मंत्र की उपासना की पति रूप, अभी कृष्ण रोज सवेरे सवेरे गैया चराने के लिए जाते, जब जाते हैं प्रभु जी बड़ी मीठी मीठी बंसी बजाते, अभी बंसी ध्वनि सुनकर के जितने ब्रजवासी सब के सब बाहर निकल कर आ जाते, किस लिए, बोले सवेरे कृष्ण तो गोचारने के लिए जाएंगे, लेकिन आएंगे कब, शाम को, फिर कृष्ण का दर्शन नहीं मिलेगा, कृष्ण की बंसी धुनी सुन करके सब के सब गोपियां घर के बाहर आ जाती हैं,
और घूंघट उठा करके सबके साथ कृष्ण को दर्शन किया। वो जब नई गोपी आई थी उसने बोली भैया मैं भी मिथुरा कृष्ण को दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊं। हैं अपना सास ससुर को बोले, बोले खबरदार वो काला सांप को देखने के लिए मत जाएगा, वो काला सांप जब एक बार काट देगा ना वो जहर नहीं उतरेगा फिर, हैं वो जहर नहीं उतरेगा तुम्हारी ऊपर से। बोले तुम बुढ़िया होकर के जा रही हो, मेरे ससुर बुढ़े होकर जा रहे, मेरे ननद भी जा रही, जब सबके सब जा रहे इनको काला सांप काटेगा नहीं, मेरे को काटेगा बोले तेरे को काटेगा और किसको काटेगा नहीं, इसलिए बहुत तुम मत जाया करो। उसको मना की बोले तुम जरूर जाओ कृष्ण को देखने के लिए। वो आई, जब आई अपना घूंघट उठा करके कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को पता है कौन कौन भक्त कहाँ पर खड़े होकर मेरे को किस रूप में दर्शन कर रहे हैं। उनको पता है ये नई बहू आई है, पहले जन्म में ये वेद के मंत्र थी और कठोर तपस्या करके ये गोपी बन करके आई मेरे को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। ठाकुर जी उसको प्रेम को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया कि एक बछड़े का पूछ को वो गोपी के तरफ में मुंह करके ना उसका बछड़े का पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया, ऐंठ दिया तो वो बछड़ा तो उदग्ध हुए सीधा गोपी के पास में चला गया। और कृष्ण वो बछड़े को बहाना बना करके उसको पास में आए, वो जो घूंघट उठा करके देख रही थी अपना बंसुरी से उसको कपल को गाल को थोड़ा स्पर्श किया और थोड़ी सी उसको तरफ में मीठी मीठी मुस्कान से एक बार दर्शन करते हुए चले गए। कहते कृष्ण का जो मीठी मीठी मुस्कान है ना वो मुस्कान नहीं वो तीर है, वो तीर है, अगर किसी हृदय में चुभ जाए ना इस पार से उस पार हो जाता है, हैं उस पार हो जाता है। और उनको प्रति जो उन्होंने मीठी मीठी मुस्कराहट जो उनको बंसुरी की स्पर्श मिला वो गोपी तक ठगी सी ठगी रह गई। कृष्ण तो उनका मन प्राण चित्त लेकर ठाकुर जी चले गए। जब चले गए इतने में उसका सास ससुर थी बोले मेरे बहू कहाँ गए, मेरी बहू कहाँ गई, देखा तो ठगी से ठगी, क्योंकि कृष्ण तो उसका मन प्राण लेकर चले गए कन्या, वो गोपी ठगी से ठगी। उसका सास ससुर बोले तेरे को मैं पहले से मना कर रहा था तू मत जा, वो काला सांप को काट देगा तो जहर नहीं उतरेगा, काट दिया ना तेरे को, तेरे को काट ही दिया ना। अब उसको हाथ पकड़ करके लाई, सोच रही है घर का काम काज मिलेगा तो मन वापस आ जाकर जा बैठ जा, बैठ के तुम दधि मंथन करो। उसको दधि मंथन में तो लगा दी लेकिन थोड़ी देर बाद में आकर के देखती है वो दधि मंथन क्या करेगी, वो राई को मंथन कर देती, कि उसका तो मन नहीं ना कृष्ण को साथ में चला गया। बोले अभी क्या किया जाए, इसका मन कैसे वापस आए। बोले एक काम कर जा कुएं से पानी भर कर ले, पहले तो कुएं से पानी कौन कौन भरेगा, पहले पहले गांव में ऐसे बेसिन नहीं होता था, क्या होता था घर से बाहर जाते थे वहां से कुएं से पानी भर कर लाते थे, रसोई भरती थी। बोले जी आप कुएं से रस्सी पकड़वा दिया और सर पर कलसी रख दिया और एक बच्चे को हाथ में पकड़वा करके बोले जा कुएं से पानी भर करके ले आ। वहां पर और भी कुछ गोपियां पानी भर रही थी, वो रस्सी को घड़ा में क्या लगाएगा, वो रस्सी को साथ में जो बच्चा था ना उसको गले में ही फांद डाल दी, रस्सी डाल कर उसको वो कुएं में डाल रही थी। जब कुएं में डाल रही थी इतने में वहां पर कुछ अनुभूति संपन्न गोपियां थी, किसने कहा भैया लगता है इसको भूत लग गया है, इसको भूत लग गया, लेकिन वो अनुभूति गोपियां थी बोले इसको भूत नहीं लगा है, नंद जसोदा का पूत लग गया, नंद जसोदा की पूत रूपी पुत्र रूपी भूत उसको पर लग गया। अगर साधारण भूत लग जाए तो छूट जाती है, लेकिन कृष्ण रूपी भूत अगर एक बार पकड़ लिया तो क्या होता है, ये भूत कभी छोड़ने वाले नहीं। जितना मंत्र पढ़ो ना, ये जितना मंत्र पढ़ो क्या होता है, ये और भी ज्यादा उसको ऊपर में असर करता है। जैसे आप लोगों को थोड़ी बहुत लगा है तभी घर का काम छोड़ कर यहाँ पर आ गए, अगर तुम्हारे ऊपर वो भूत नहीं लगता ना, कहते टीवी देखते नहीं तो स्मार्टफोन में देखती, कहते इधर उधर गप्पे में लग रहती, इसलिए आपको ऊपर में थोड़ी थोड़ी कृष्ण की रंग चढ़ा है, वो भूत थोड़ी बहुत तुम्हारी उम्र में लगा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहे, बोले गोपियां जैसे भगवान की भक्ति तुम लोग करो, अगर गोपी जैसे भक्ति किया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे एक मिनट कीर्तन कर लो ठीक है। बोलो हरे कृष्णा देखते हैं आप लोग सब सीख गए।
देखो ये भगवान का नाम करते थे ना तो उसको तीन चीज मिलेगा, कितना चीज मिलेगा? और जो हरे शब्द है, ये हरे मतलब होता है जो हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए ये हरी से ये हरे। अगर हरे नाम बोलोगे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले कृष्ण नाम लेने से क्या होगा? देखना मन हमारी बड़ा चंचल है, मन चंचल है, भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती, मन को चैन नहीं मिलती। तो जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेगा, कृष्ण मतलब होता है आकर्षण करना, अपना तरफ में आकर्षण करना। जो कृष्ण नाम लेगा ना, अगर तुम्हारी मन भटकता है, किस चीज में मन नहीं लगती है, जैसे बच्चों का पढ़ाई में अगर मन ले लेता है, उनको बोलो कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, अपनी आप उसका मन पढ़ाई में लग जाए। आप देख रहे हैं जिनका बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको बोलो कृष्ण नाम करो, देखना मन अपने आप पढ़ाई में लग जाए। कृष्ण मतलब आकर्षण करना, ये मन को जो भटकने नहीं देगा। राम मतलब क्या है? बोले जीवन में आराम, जीवन में आराम मिलेगा। अगर ये महामंत्र जप करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? हरे मतलब क्या है? दुख दूर जाएगा। कृष्ण मतलब क्या है? मन भटकेगा नहीं। राम मतलब क्या? आराम मिलेगा। अगर ये प्रभु का नाम जप करोगे ना, आप ये तीन फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सबके सब हाथ में ताली बजाते दिए, पीछे पीछे कीर्तन करना, ठीक है ना? ताली बजाना, ताली बजाओगे ना तुम्हारी भाग्य रेखा सब बदल जाएगी। हैं? अगर उल्टा फुलटा भाग्य रेखा होगा तो भाग्य रेखा तुम्हारी सही हो जाएगी। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। हमारे प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत द्वितीय लाभ प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोदशरथ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं श्री गुरुदेव के मुखारविंद से, और इस ग्रंथ की महिमा पिछले दो दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथ की कितनी महात्म्य है, लेकिन इस ग्रंथ की महिमा श्रवण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात की यदि थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो उसमें यही कंक्लूजन निकल के आता है कि हम लोग कलयुग के जीवों का क्या है, शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, है ना। आजकल के जिस तरह से कलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो शास्त्रों को लोग समझते हैं मिथ, माइथोलॉजी, काल्पनिक है। हमारे शास्त्र इनमें जो सारी बातें लिखी हुई है ये काल्पनिक है और इनके ऊपर विश्वास नहीं होता। इसलिए क्या कर रहे हैं संत लोग, बार बार इस ग्रंथों की महिमा कथा श्रवण करने का महात्म्य सुना सुना के हमारी रुचि उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी को मान लो पता चले कि किसी जगह पर जाने पर बहुत मुनाफा होगा, लाभ होगा, दौड़े जाते हैं, है कि नहीं, भैया वहां पर जाओ, वहां पर जाने पर लॉटरी लगेगी, लॉटरी के चांसेस है, तो क्या सब भागे भागे जाएंगे, है ना। क्योंकि हम क्या मानते हैं, इस जगत के पैसे को, इस जगत का जो अर्थ है, इस पैसे को सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मानते हैं। आज के समय पे तो ऐसा हो गया है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे की वैल्यू हमको पता है, है ना, पैसे की वैल्यू हमको पता है, तो पैसे के पीछे हम इतना भागते हैं। एक बच्चे को अगर आप एक सोने का कॉइन दे दो, एक सोने का सिक्का दे दो और दूसरे हाथ में उसको एक खिलौना दे दो, आप बताओ दोनों में से क्या चीज लेगा, क्यों, क्योंकि उसको सोना क्या है उसको पता नहीं। वहीं पे हम जैसे वो किसी को दे दो तो झपट्टा मार के सोना ले लेंगे, पता है भैया 50,000 तोला चल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को शास्त्रों, ये भागवत कथा की कितनी महिमा है, वो कथा कहने से पहले, मूल कथा आरंभ होने से पहले दो दिन हो गए हम उस कथा के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है, क्यों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, है कि नहीं। जो मनगढ़ंत साइंटिफिक बातें होती है,
या और दूसरी सारी चीजों पे तो हमारा खूब विश्वास हो जाता है, लेकिन शास्त्रों पे विश्वास नहीं है। लेकिन आप यदि देखोगे शास्त्रों की बताई हुई एक एक चीज सत्य है, हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें बताई दी गई है वो एक एक चीज सत्य है। आजकल के साइंटिस्ट जो अब डिस्कवर कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, उसको तो प्रमाणिक बोलो, वो अपने नाम पे पेटेंट करे जा रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित कर दी गई है और उसका अब आविष्कार हो रहा है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे पहले के समय पे पता है क्या मानते थे, पहले के समय पे लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है ये गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। कुछ समय पे जैसे अमेरिका से जब वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज करी, तो जब वो निकला था तो उस समय पे क्या हुआ था, उसने अपनी सरकार से कहा, क्वीन से, कि आप मुझे क्या करो, कुछ सेना दे दो, मैं समुद्र की यात्रा करते हुए मैं भारत की खोज करूंगा, क्योंकि भारत के विषय में सुना सबने था, लेकिन मैं भारत की खोज पे निकलूंगा, आप मुझे सेना थोड़ी दे दो। रानी ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया था, क्यों, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा थी कि अर्थ गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, थोड़े समय के बाद में सागर के आगे यदि आप जाओगे ऐसे किसी गर्त में नरक में गिर जाओगे और आपका अता पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको बाद में डिस्कवर किया है, बाद में साइंटिस्ट ने निकाला कि प्लैनेट अर्थ क्या है, गोल है, और ये प्लैनेट ये ही नहीं और सारे कितने ही प्लैनेट्स की खोज करी है सोलर सिस्टम के अंदर। आप लोगों ने सबने पहले श्रवण किया था ना, पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, जब हमने पढ़ा था तब तो 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन आज की सोशल बुक्स उठाकर देखो उसके अंदर 8 ही प्लैनेट रह गए, प्लूटो जो लास्ट प्लैनेट था वो गायब हो गया है। तो हमारी साइंस की बुक्स में तो इतने सारे परिवर्तन आ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हम जैसे किसी साइंटिस्ट ने निकाला है वो किसी समय पर सही था, बाद में जाके उसके बाद में और कोई साइंटिस्ट आया उसने उसकी थ्योरी को गलत बता दिया तो वो फेल हो गया। लेकिन शास्त्र की एक एक चीज आप देखो, भागवत का कोई श्लोक आज तक बदला है, गीता में 700 श्लोक है, गीता का एक भी श्लोक में आज तक परिवर्तन आया है, कभी आपने सुना हो गीता एडिशन 2 हुआ ऐसा कभी, वही श्री भगवत गीता यथारूप जैसी भगवान ने बोली थी अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में वैसी की वैसी ही आज तक चली आई, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ है ना शास्त्रों में। इसलिए हम श्रवण कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है, इसको तो साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया, लेकिन आपने सबने देखा होगा वराह अवतार, वराह अवतार जो भगवान ने वराह अवतार लिया था, वराह अवतार लेकर क्या किया था, पृथ्वी को अपनी दांतों में लेके और वापस उस धुरी पे स्थापन किया था। तो छवि वराह अवतार की जो छवि है उसके अंदर पृथ्वी कैसी बनी हुई है बताओ, गोल बनी हुई है ना। तो शास्त्रों में तो वराह अवतार के बारे में पहले से बता रखा है कि नहीं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने वो कहीं बाद में डिस्कवर किया, अभी कुछ सालों पहले की ही बात है कि नहीं। तो इसलिए बता रहे और कोई उदाहरण की जैसे हम लोग हमारे भारतीय संस्कृति में देखो क्या करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, गाय को पूज्य मानते हैं, गाय का हम दूध पान करते हैं, गाय को एक माँ गौ माता बोलते हैं ना, है कि नहीं, गौ माता बोलते हैं, गाय को माँ के समान दर्जा देते हैं, गाय को पूज्य मानते हैं, गाय का दूध और इत्यादि तो बात ही छोड़ दो, जो गाय गोबर देती है वो गोबर भी हम लोग उससे क्या करते हैं, जब पूजा वगैरह होती है उससे शुद्धि करते हैं, गाय की इतनी महिमा है। लेकिन उस अभी देखो वही गाय का प्रोडक्ट जो काउडंक है वो आप अमेजोन पे सर्च करना, ऑनलाइन बिकने लगा है आजकल, गाय के कंडे जो हमारी माताएं घर में थापती है ना वो अमेजोन पे ऑनलाइन बिकता है, और भारत में तो फिर भी उसका प्राइस कम है, अमेजोन US पे अगर देखोगे तो डॉलर्स में बिकता है वो, लेकिन हमारे भारत में वही गाय की पूजा होती है, गौ पूजा होती है ना, गोवर्धन के समय पे गौ पूजा होती है, गाय को पूज्य मानते हैं, गाय का गोबर भी हम लोग व्यवहार करते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमारे शास्त्र में इसकी महिमा बताई गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लो हम लोग कितने सारे, आप देखो भारत में वृक्षों की पूजा होती है, जो गौमूत्र है ना, कहते जो गौमूत्र पियोगे ऐसे कोई बीमारी नहीं जो गौमूत्र से सही नहीं होता, जो व्यक्ति गौमूत्र पिया होगा कभी उसको कोरोना नहीं होगा, आप पी करके देखें कभी भी आपको जो गौमूत्र को भाग किया आप देखना उसको कभी भी ये कोरोना नहीं है, इतने उसमें सत्य। लेकिन पहले से हमारे देश में क्या करते थे, गौमूत्र को पान करते थे, गौमूत्र को घर में छिड़काव करते थे गौमूत्र, लेकिन अभी ये सब के सब साइंटिस्ट लोगों ने सब रिसर्च करके निकाल रहे हैं। इसलिए इतने पहले हमारे घर घर में गौ माता रहती थी, हाँ गौ पूजा होती थी, गौ माता रहते थे घर में घुसते गैया, लेकिन अभी कलयुग होने का नाता है अब तो गैया नहीं रखता, अभी क्या रखते हैं, कुत्ते, घर में कुत्ते को है उसको गाड़ियों में बैठा कर ले जाएंगे, कुत्ते को पूजा करेंगे, कुत्ते को साथ में रहेंगे, लेकिन पहले क्या करते थे,
कुत्ते को घर के बाहर रख देते है ना, कुत्ते को कोई घर में नहीं घुसा कर देते। कुत्ता कोई चीज देख लिया ना एक बार, वो ठाकुर को सेवा में कभी नहीं देगा, कभी नहीं देखेगा उस चीज। पहले हमारी गौ माता की पूजा होती है गैया माता के, इसलिए अभी दुर्भाग्य है जो कुत्ता को घर में रखने लगे। गुरुदेव कुत्ते के बारे में बता रहे, मुझे याद आ गया, हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे जयपुर से कोटा, तो एसी कंपार्टमेंट के अंदर एक लड़की बिल्ली लेकर चढ़ी है, पेट बिल्ला मतलब मेल था, बिल्ला लेकर चढ़ी है, और उसके साथ में दो बैग्स तो सिर्फ कुत्ते के बिल्ली के टॉयज थे, एक बैग उसके खिलौने का, एक बैग खाने का। ऐसा लोगों को कुत्तों पेट्स किस लिए पालने पड़ रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में विश्वास है नहीं, भाइयों बहनों के बीच में परिवार के अंदर तो प्रेम है नहीं, तो प्रेम कहाँ खोजते हैं? ये जानवरों में खोजते हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि परिवार के अंदर प्रेम का अभाव होने के कारण क्या करते हैं, इन जानवरों में प्रेम खोजते हैं, एक बैग खिलौने का, एक बैग खाने का, ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर क्या बताते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है किसके कारण? क्योंकि हम इन शास्त्रों का अवलंबन करते हैं। हमारी जो नॉलेज रही है, हमारा भारत समृद्ध किससे है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी सड़क, इससे भारत की समृद्धि नहीं है। हमारा भारत सर्वदा समृद्ध रहा है हमारी संस्कृति से। आप देखो भारत के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे राज्य हैं, और उन्हीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी संस्कृति है, लेकिन फिर भी इतना यूनाइटेड है कि नहीं? जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे हमारे भारत में, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये देखा कि इस भारत के ऊपर शासन करना, भारत के ऊपर रूल करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति इतनी मजबूत है। तो अगर एक चीज कर दी जाए, क्या, कि इनके दिमाग में जो अपनी भारत की संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता है, उसको यदि हानि पहुंचा दी जाए, उसको यदि हम टारगेट करें, तो फिर ये हमारे काबू में आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यही चीज का प्रचार करना चालू कर दिया। बोले ये लोग कितने गंवार हैं, देखो गाय की पूजा करते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, देखो हमारे पास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये लोग क्या करते हैं, वही आंगन में रहते गोबर का लीपा हुआ, लेकिन देखो हम लोग के पास में टाइल लगा हुआ, एकदम फर्निश्ड फ्लोर्स है कि नहीं? ये लोग क्या करते हैं, गाय बैल का यूज करते हैं इधर उधर घूमने के लिए, हमारे पास में गाड़ियां हैं, हमारे पास में बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन देखो आप वही अमेरिका की आज स्थिति देख लो, 80% ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे डिप्रेशन पेशेंट है। भारत में कभी भी ऐसा होता नहीं, भारत में डिप्रेशन जैसी बीमारी तो थी नहीं, मानसिक तनाव लोगों को थे ही नहीं, ये तो जैसे जैसे भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ क्या उनके डेवलपमेंट ही आएंगे क्या, साथ साथ में बीमारियां भी आएगी। पहले के समय पे लोगों को हाइपरटेंशन, डिप्रेशन ऐसी चीजें होती नहीं थी, आराम से अपना कमाते खाते थे, रात में रोटी खा के सो जाते थे, चैन की नींद सोते थे, वो खुले आसमान के नीचे भी आराम से सोते थे। लेकिन अमेरिका की ऐसी स्थिति थी कि वहां पर लोग एसी रूम में भी नहीं सो पाते थे टेंशन के मारे। और आजकल क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हमारा भी ऐसे दुर्भाग्य जनित हो रहा है, हमारी भी वैसी स्थिति हो जा रही है। कहने का सार सार कहने का मतलब यही है कि यदि हम हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, हमारे शास्त्र हैं, उन पे विश्वास करते हुए, दृढ़ विश्वास करते हुए, और उनको उनके जो इंस्ट्रक्शंस को पालन करेंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो गाय के बारे में बताया है वो चीज तो सही है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए कह रहे हैं वो बात गलत है, ये तो अर्धफुकुट न्याय हो गया। बोले भैया हमको मुर्गी तो पसंद है, क्यों? बोले मुर्गी अंडा देती है, लेकिन मुर्गी के पास पीछे पीछे वाला भाग चाहिए, आगे वाले भाग के तो भैया खिलाना भी पड़ेगा, तो इसलिए उनको आगे वाला भाग नहीं चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं है ना, मुर्गी रखनी तो पूरी पालनी पड़ेगी। शास्त्र पे विश्वास है तो हर एक बात को विश्वास करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो साइंटिफिक चीजें प्रूव हो रही है उस पे तो हम विश्वास कर लें, लेकिन शास्त्रों का जो मूल उपदेश है, कैसे इस मनुष्य जीवन को भगवान के भजन में नियुक्त करो, कैसे ये जीवन केवल मात्र खाने सोने बच्चे पैदा करने और इन्हीं सब कार्यों में वेस्ट मत करो। हमको भगवान ने इतना ज्यादा विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसलिए उनका भजन करने के लिए केवल ये बुद्धि लगा दी, कैसे कि जानवर सड़क पे खाता है, हम बढ़िया कटलरीज का यूज करते हुए, स्पून का यूज करते हुए डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, यही बुद्धि लगाई। जो आनंद हमको एसी रूम में बैठ के अच्छे कटलरी यूज करके खाने में मिलता है, वही सुख एक जानवर को सड़क पे सोने में, सड़क पे खाने में मिलता है। सेटिस्फेक्शन सेम है, संतुष्टि दोनों में समान ही है, इसलिए ये बुद्धि इसके लिए नहीं दी हमको भगवान ने, एकमात्र इसको यदि हम भगवान के भजन में नियुक्त करें, तभी क्या बोलते हैं, सा विद्या तन्मतिर्याया, इस बुद्धि का, इस ज्ञान का यही सबसे सार्थकता होगी कि इसको हम भगवान के भजन में लगाएं।
ठीक है, यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कर गुरु के पास से अन्विषे क्षेत्रे ऋषयः सर्वकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, कहते जब ये घोर कलिजुग आ गया, ये घोर कलिजुग आने पर कहते ये सर्वकादय ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलिजुग से हम बचे कैसे। कलि मतलब जहाँ पर कलह लड़ाई झगड़ा अशांति दुख कष्ट, बोले इससे हम बच्चे कैसे। तब ब्रह्मा जी बोले देखो मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ गिरेगा वहीं पर बैठ करके भजन करोगे, पर ये कलिजुग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर भी नहीं पड़ेगा। कहते तो वो चक्र जा कर गिरा नैमिषारण्य। हम लोग कोई गए हो नैमिषारण्य? कौन कौन नैमिषारण्य में गए हो? कोई भी नहीं गए हो, देखो कौन गए। इसलिए कभी नैमिषारण्य में जाना, बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ पर गंगा बह रही है। वो चक्र ऐसे गिरा संपूर्ण पाताल में चली गई और वहां से 26 घंटा पानी हर समय वहां से निकलती है वहां से। इसलिए वहीं पर बैठ करके सौनकादि ऋषि लोग भगवान की भक्ति पूजा यज्ञ कर रहे थे। लेकिन एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए। सुत गोस्वामी आने पर सौनकादि ऋषियों ने उनके चरण की उन्होंने पूजा की, उनकी आसन दे करके बैठाए, बैठा करके उनको कहते हैं बोले हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से सारे ज्ञान को आपने आहरण किया है, सारे विद्या को उपनिषद को रामायण सब कुछ ग्रंथ को तुमने अध्ययन किया है, आप कृपा करके हमें ये बताओ। तब उन्होंने उनको 6 प्रश्न किया है। कितना प्रश्न किया? 6। उन्होंने 6 प्रश्न किया है। लेकिन जो 6 प्रश्न में कहते ये पूरी जो भागवत है ना, ये 6 प्रश्न को आधारित करके ये 6 प्रश्न में आधारित है। और उन्होंने बोले देखो जो कलिजुग है, बोले कलिजुग का क्या स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाभस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। ये कलिजुग का स्थिति बताए, बोले प्राय करके लोगों का परमाय कम है, लेकिन जैसे सत्य युग में लोग कितना साल रहते थे, तब 1,00,000 साल, 1,00,000 साल। हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तो तपस्या की है। जब त्रेता युग आ गया हो गया 10,000, जब आ गया द्वापर युग आ गया रह गया 1,000, लेकिन जब कलिजुग आ गया ना 1,000 से एक एक सुनाट करेगा, 1,000 से एक सुनाट है तो कितना रह जाएगा बोलो? 100 रह जाएगा। अभी कलिजुग का परमाय हो गया 100, अभी कोई 100 साल जिंदा रहता है? अभी कोरोना आया कितना लोग गए, यहाँ के कुछ लोग गए क्या कोटेशन कुछ गए? इसलिए कलिजुग में ऐसे जो युग है कभी भी लोग मर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले युग में नियम था जब तक उसका परमाय पूरी नहीं हो जाए तब तक फिर मरेगा नहीं, लेकिन कलिजुग में ऐसे कुछ है नहीं, कभी भी हम शरीर को छोड़ सकते हैं। इसलिए फिर कलिजुग में बोले मंदा सुमंद मत है। पहले लोग क्या करते थे, जैसे गीता पढ़ते थे रामायण पढ़ते थे, क्योंकि ये टीवी होता था नहीं, स्मार्टफोन होता था नहीं, इसलिए मैं जो अपना गांव में देखा है सबके सब बैठ करके शाम को सबके गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, ठाकुर का कीर्तन होता था, कोई एक व्यक्ति भागवत पढ़ता था नहीं तो रामायण पढ़ता था, गांव के सबके सब लोग बैठ कर कथा सुनते थे सब। ये गांव में सब चीज थी, शहर में भी यही सब चीज थी पहले, क्यों ये स्मार्टफोन टीवी कुछ होता ही नहीं था इसलिए। लेकिन ये कलिजुग आने के नाते कहते जो स्मार्टफोन जो टीवी है ना कली, ये कहते ये कली हमारे गुरु जी कहते हैं कली ने रूप धारण करके आया, जितने गड़बड़ी सब सिखाने वाले कौन है, स्मार्टफोन है। बच्चों लोगों ने आपको न्यूज पेपर पढ़ेंगे, कुछ दिन पहले एक बेटा स्मार्टफोन देखता था, उसको पिता इसके मिलिट्री में, जब उसने मिलिट्री से घर में छुट्टी लेकर के आए बेटा दिन भर बच्चा स्मार्टफोन में लगा हुआ, पढ़ाई कुछ कर नहीं रहा है, पिताजी डांट लगाए बोले ये क्या कर रहे हो, अब तो पढ़ाई करो जिंदगी में कुछ बनो, लेकिन बात नहीं सुने उसको जोर जबरदस्त छीन लिया, जान दो बेटा क्या किया, तलवार लेकर उसको गला ही काट दिया, उसको हत्या कर दी अपना बेटा।
ये स्मार्टफोन इतने लोगों को बिगाड़ दिया, आपको ज्यादा होगा पबजी पबजी पता नहीं दुनियादारी की क्या उल्टा पुल्टा चीज में बच्चों को सब बिगाड़ने वाली सब है कल। इसलिए गुरु जी कहते थे कली है ना ये एक रूप धारण करते हुए आए और कहते इसी में ही क्या करते हैं इसमें शादी करते तो इसमें डाइवोर्स हो जाते हैं इसी में ही शादी कर लो उसमें मतलब आप लोगों को पता होगा कितने कितने गड़बड़ी चीज ये सब चीज से बच्चे अभी इतना डाइवोर्स फाइवोर्स क्यों हो रहे भारत में कोई सुने तो कोई डाइवोर्स कोई ना बड़े बड़ों को पूछ लो अभी 30-40% सब होने लगे ये सब चीज मतलब इस इतने गड़बड़ी जितने जितना साइंस एडवांस कर रहा है दूसरे तरफ में देखो ना उतना ही गड़बड़ी हो रहा है हैं इतना गड़बड़ी। इसलिए कहते कलयुग का लोग कैसे हैं बोले मंदा सुमंद मत है वो मन स्वाभाविक रूप में गद्दी चीज में जाती है इसको भजन में लगाओ तो जोर जबरदस्ती ला कर उसको भजन में लगाना पड़ रहा है भजन में लगाना पड़ रहा है क्या है मंदा मंद भाग्य झुकोद्रुता। अगर कभी कोई अगर बच्चा प्रभु का भजन में प्रभु का भक्ति में थोड़ी लग जाए फिर क्या बोलिए ये कोई उम्र है तुम्हारी भजन करने की अभी से सब माला भजन क्या करना शुरू कर दे। अगर बेटा अगर शराब पीता ना बोले वेरी गुड बच्चा बड़ा एडवांस कर बीड़ी फूंकता है सिगरेट वेरी गुड लेकिन अगर तिलर गला में कंटी धारण करने बोले कोई उम्र है अभी भजन करने के लिए उम्र है अभी से सब माला कर दी तुमने क्या धारण कर दिया। बोले कलयुग में अगर पत्नी अगर कहीं साधु संघ में गए अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन किया पति बोलेगा किसके चक्कर में तू पड़ गई ये सब अभी से सब गीता भागवत लेकर क्या बैठ गए हो। इसलिए कलयुग में इतनी उपद्रव है इतनी उपद्रव कलयुग में तब श्री सौनकादि बताए आप बताओ हमारी कल्याण कैसे हो कलयुग में। तब इन लोगों ने 6 प्रश्न किया और ये 6 प्रश्न का उत्तर भागवत ठीक है बच्चों कल तुम लोग 6 प्रश्न पूछोगे। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले आत्मा को। देखो घर में हम दुनिया में जो कुछ कर रहे हो केवल एक चीज के लिए किसके लिए शांति सुख मिले। पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो शांति सुख मिले। नौकरी चाकरी क्यों करते हो शांति के लिए। शादी शुदा क्यों करते हैं शांति के लिए। बच्चे क्यों देते हो सब कुछ शांति के लिए देते हैं ना शांति के लिए। लेकिन एक आश्चर्य चीज देख लेना अगर थोड़ी समय के लिए अगर थोड़ी सुख आ गया आप देखना थोड़ी देर बाद में सुख गायब हो जाता है। जैसे घर में हमारी एक समस्या हम सोचते हैं किसी तरह से ये एक समस्या दूर हो जाए हम शांति लिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना वो एक समस्या तो दूर गई नहीं दूसरी समस्या एक नहीं बोलो हम कोशिश करते दूसरे समस्या किसी तरह से हल हो जाए भैया घर में चैन मिलेगी। अगर देखना दूसरी समस्या दूर नहीं होने से बल्कि तीसरे समुद्र देखे हो एक ऊपर एक बार लहर एक बार लहर। लेकिन इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी और खरब रुपया की ये क्वेश्चन है इसका उत्तर आप भी सुनेंगे तो क्या बताएंगे शांति कैसे मिलेगी। दूसरा प्रश्न है जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे ना भैया तब तक शांति सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उनका दूसरा प्रश्न है कलयुग में फिर भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। कलयुग में हम कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमें कृपा करके भगवान कृष्ण की मधुर मधुर मीठी मीठी ठाकुर जी की हमें कथा सुना भगवान की पवित्र मई कथा हमें कथा सुना। तो चौथा प्रश्न है कहते केवल कृष्ण कथा नहीं करना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जगति। भगवान कहते हैं जब जब जगत में साधु वैष्णव गो ब्राह्मण पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होती है तब तक मैंने जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए भगवान अलग अलग कभी मत्स्य कभी कुर्मा कभी वराह कभी नृसिंह कभी राम अलग अलग अवतार में ठाकुर जी आए बोले केवल कृष्ण कथा नहीं उनका जितने अवतार का भी कथा में सुना। कितना प्रश्न हो गया 4। कहते जो पांचवा प्रश्न है
पांचवा प्रश्न है भगवान की जो अद्भुत जो महिमा जस है, कैसे कृष्ण जब 7 साल उम्र के थे 7 क्रोश गिरिराज को और उन्हें 7 दिन तक अपना कनिष्ठ अंगुल में धारण कर दिया। श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। और भगवान जब रास रचा रहे थे कृष्ण तो एक थे लेकिन सब गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण हमारे साथ लेकिन 100 करोड़ गोपियां थी लेकिन हर गोपी देख रहे थे कृष्ण हमारे साथ में ही कृष्ण है। कृष्ण कैसे 6 दिन में कितना कैसे प्रभु ने माले, कैसे प्रभु भक्तों के साथ में होली कैसे खेले, इसलिए हमें भगवान की अद्भुत अद्भुत जस की कथा में श्रवण करा। अब छठवां जो प्रश्न है जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए फिर ये धर्म कहाँ पर उन्होंने कलयुग में आश्रय किया। जब उन्होंने ये 6 प्रश्न की अब ये 6 प्रश्न को सुन करके श्री सुत गोस्वामी बहुत खुश हुए। बोले क्यों खुश हुए, बोले उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न किया है जिसकी उत्तर में केवल प्रभु की चर्चा होगी, जिसमें कोई दुनियादारी का कोई चर्चा नहीं होगी, प्रभु की चर्चा। आप देखना जब तक प्रभु की कथा हो ना तब तक मन को शांति मिलती, इसलिए जब तक भगवान की चर्चा कथा हो मन को शांति मिलती है। इसलिए उन्होंने ये चर्चा को प्रश्न सुन करके बड़े खुश हो गए। खुश होकर केवल पहले में अपना गुरु जी के चरणों की पूजा करके फिर तुम्हारी प्रश्न को मैं उत्तर देता हूँ। बोले बंदाओ गोरो पाद पादो माँ पराया सबसे पहले गुरु जी के चरण की पूजा की, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग माओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद प्रिय बना। अगर गुरु भगवान अगर खड़े हुए सबसे पहले किसकी चरण की पूजा करेंगे, पहले गुरु जी की। प्रथम अंतु गुरु पूज्य, कृष्ण कहते हैं पहले गुरु जी की पूजा करो उसको बाद में मेरे चरण की पूजा करो। जो व्यक्ति गुरु जी की पूजा किए बगैर डायरेक्ट मेरे चरण की पूजा करते हैं भगवान के तो उसका पूजा निष्फल हो जाता है। देखो इसलिए देखो कि जगत में गुरु की बहुत जरूरत है। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, कोई टीचर के पास भी जाते हो, आप यहाँ नहीं पढ़ रहे, कोई एक्सपर्ट कोई टीचर के पास भी जाते हैं। तो देखना चोरी भी जो करता है ना उसका भी गुरु होता है, जो चोरी करता है ना वो पहले किससे सीखता है, जो शराब पीता है ना है उसका भी कोई गुरु होता है। पहले बोलेगा थोड़े पी लो, बोले नहीं हमारे परिवार में कोई पीता नहीं, तो रोज थोड़ी पीता हो है शादी का समय पर पी लो बस, एक बार पीते 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 उसको शराब भी बना देते हैं। इसलिए चंदे काम में भी देखना वहाँ भी कोई गुरु होता है। फिर भगवान की भक्ति तो अभाव मन से गोचर हो, भगवान हमारी वाणी मन से अतीत है। इसलिए भगवान राम भगवान है, भगवान राम का गुरु कौन थे बोलो, वशिष्ठ जी। और श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, शांतिपति ऋषि, वहाँ पढ़ने के लिए गए लेकिन उनको जो कुल गुरु थे उनकी श्री शांतिपति की सांडिल्य ऋषि थे जो मथुरा में गर्गाचार्य है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुरु जी के चरण की उन्होंने पूजा की, पूजा करते हुए तब उन्होंने उनके प्रश्न की उन्होंने उत्तर दिया। बताओ पहला प्रश्न क्या था, सब भूल गए हो क्या पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ध्यान देकर सुनो कि भागवत कहता है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी है। तब उन्होंने बोले बोले सबरी पुंसान परो धर्म जत भक्ति रधक्षजे आहै तुके अप्रतिहता जय आत्मा सम प्रसीदति।
ब्रजी वृंदावन बिहारी लाल की। कहते देखो आत्मा को तभी ये आत्मा को शांति मिलेगी, कहते जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। देखो ना, देखो जब आप एक दिया जलाते हो, आप बताओ दिया का जो लो किधर जाता है? बोलो, जैसे दिया जलाओगे इसका जो लो किधर जाती है? आप बता सकते हो कि ऊपर जाता है, इधर उधर क्यों नहीं जाता? कौन बोलेगा? ये दिया की लो ऊपर क्यों जाता है, इधर उधर क्यों नहीं जाती? बोलो, क्योंकि इसका जो मूल है ना, ये सूरज है, इसका मूल सूर्य, इसका मूल है। इसको लो, जैसे यहाँ पानी डालोगे तो पानी किधर जाएगा? नीचे। बताओ पानी किधर जाएगी? नीचे जाएगी। क्यों नीचे में जाएगी? क्योंकि पहले जाकर नाली में मिलेगी, फिर किसी नाला में, किसी नदी में, फिर लास्ट में जाकर कहाँ मिलेगा? समुद्र। समुद्र, क्योंकि जो पानी है वो बाष्पीभूत होकर के पहले ये समुद्र से आएगा। एक मिट्टी अगर ऊपर फेंकोगे वो कहाँ जाएगा? नीचे क्यों आएगा? इधर उधर क्यों नहीं जाएगा? इसका जो मूल है ना, कौन है ये पृथ्वी? इसकी मूल है वो पृथ्वी का एक टुकड़ा है, इसलिए उसको तरफ में जाता है। इसलिए अभी प्रश्न है, अब ये बताओ जगत में दुख कौन चाहता है? हाथ उठा, दुख कौन चाहता है? आप बताओ सुख कौन चाहता है? हाथ उठा, कौन सुख चाहता है? क्यों? अभी प्रश्न है ना, हम दुख क्यों नहीं चाहते, सुखी क्यों चाहते? कारण है, हम कल तो बोल रहे थे ना, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान तीन स्वरूप, सत चित और आनंद। सत मतलब सत्य है, इसलिए भगवान सत्य होने के नाते हम भी कोई जब मरना नहीं चाहते। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जीवन में हम ज्ञान खोजते हैं। और भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए जीवन भर हम किसकी खोज करते हैं? आनंद की खोज करते हैं। अभी प्रश्न है, फिर ये आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? हम तो ढूंढ रहे हैं आनंद, लेकिन आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? कारण बताए, बोले जहाँ आनंद है ना, हम वहां पर आनंद को नहीं ढूंढ करके हम कहीं गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहे हैं। एक उदाहरण दिया, कोई एक माता जी थी, कहीं मेन रोड में कोई सुई गिर गया, कहीं सुई गिर गया मेन रोड में ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति देखा, कोई माता जी क्या ढूंढ रही है? जब एक घंटा बाद में आया तो देखा वो भी माता जी ढूंढ रही है वही। बोले माता जी तुम क्या ढूंढ रहे? बोले सुई। बोले सुई ढूंढ रहे? बोले हाँ। बोले ये सुई गिरा था कहाँ? बोले घर को अंदर में। बोले सुई घर को अंदर में गिरा था, पर ये रोड में क्यों ढूंढ रहे? अरे यहाँ सुई गिरा वहां पर जाकर ढूंढो, तब तक सुई मिलेगा। तुम गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, दिन भर ढूंढ रहे हो। हाँ, यही चक्कर है, हम जहाँ सुख शांति है ना, हम वहां पर नहीं ढूंढ रहे, गलत जगह पर सुख ढूंढते। कहाँ? ये संसार में। जिसने ये संसार बनाया भगवान, ये खुद कहते हैं ये संसार दुख का घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से, कोई बेटी से दुखी, दुखी दुखी है संसार में। जो दुखी व्यक्ति को सुख कैसे देगा वो व्यक्ति? वो तो स्वयं दुखी है। लेकिन सुख कौन दे सकता है? ये ठाकुर जी दे सकते हैं, जिनके चरण में आनंद स्वरूप है, अशोक अभय आनंद प्रभु की चरण में। जब तक ये जीव प्रभु की शरण में नहीं जाएगा, ये संसार में कभी वो आनंद नहीं पा सकता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सबई पुंसांग परो धर्म, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। कहते भैया आप बोलोगे हम तो प्रेम तो कर ही रहे, प्रेम तो कर रहे हैं। कहते कैसे प्रेम करनी चाहिए? बोले तुम्हारी जो प्रेम में, जो प्यार में है ना, कोई कामना वासना नहीं, तुम्हारी भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? ठाकुर के सामने जाएंगे, अगर 10 रुपया के फूल की माला चढ़ाए, नहीं तो कोई फल चढ़ाए ना, ऐसे एक पर्चा रखेंगे, कम से कम वो 10 करोड़ का, 10 करोड़ का। ठाकुर जी आपको इसलिए 10 रुपया के फूल फल चढ़ा रहा हूँ, हमारी मकान बन जाए, दुकान बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, हमारी ये शादी शुदा, कम से कम वो जो पर्चा होगा ना 10 करोड़ की तो होगा। 10 रुपया ठाकुर जी दे करके कितना पैसा मांग रहे हो? 10 करोड़ मांग रहे हो। क्या ये तो भक्ति नहीं हुआ, ये तो बिजनेस हो गया। पर ठाकुर जी इसलिए 10 रुपया के चलाया, आप मेरे घर में आओ, घर का सारे काम काज तुम करो, सारे काम। कहते भैया ये भक्ति नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी कामना वासना हुई। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। देखो जब भगवान की तुम भक्ति करने लग जाओगे ना, आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी, हमको तो चाहिए संसार की वस्तु चाहिए,
और उसको मांगने का जरूरत नहीं, केवल उसकी सर्वे में चले जा, वो सब जानता है। कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरे कृपा से सारे काम हो रहा है। जब उनको चिंता करने लग जाओगे, वो अपने आप तुम्हारी चिंता करना शुरू कर देंगे। नरसिंह भक्त का नाम सुने वो भी लगता है तुम्हारे राजस्थान के थे, नरसिंह भक्त है नरसिंह भक्त, उनकी बेटी की शादी होना। अब देखो वो टीवी देखे है, देखे वो टीवी, हीरे जवाहरात की बरसात हो गई, सोने की ईंट की बरसात हो गई। उसको बेटी की शादी में ठाकुर जी स्वयं सावरिया सेठ बनकर गए, और ऐसे शादी करवाए ना अरब खरब प्रति शादी नहीं कर सकते। जब हम ठाकुर जी के शरण में जाएंगे ना, उनको मांगने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी छोली तुम्हारे अपने आप भर देंगे, इसलिए उनको मत मांगो। कहते एक पहला बताए निष्काम होकर के, और दूसरा निष्काम क्यों होनी चाहिए, ये एक चीज समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति आए, जब देखो उसको मांगो, जब देखो उसको मांगो, अगर मांगो ना क्या करेगा, अगर दूर से देखेगा ना, बोले भैया ये व्यक्ति आ रहा है, कितनी मांगेगा, वो अपने आप रास्ता मोड़ लेगा। बारम्बार भी उसको मांगोगे तो क्यों, जाने पर मांगता है। इसलिए मांगनी नहीं चाहिए, उनकी भक्ति करो, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जमे, जैसे शहद देते है ना, शहद को ऐसे अगर डालोगे देखना उसमें जो धागा बन जाती, उसमें एक धागा बन जाती। भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले भक्ति तुम्हारी निरंतर जमी, हर समय में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। आप बोलोगे हम थोड़ी बाबा है दिन भर माला लेकर बैठ जाएंगे, आप बोलोगे हम थोड़ी बाबा दिन भर माला लेकर बैठेंगे, हमारी संसार है, बीवी बच्चे परिवार है, हैं हमारी परिवार, हमें तो सबका काम करना पड़ेगा। देखो ये जो गोपियां थी ना, क्या बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बढ़िया। इसलिए कहते जो थी गोपियां जो थी ना, ये घर में रहती थी, वो कोई त्यागी नहीं थी, गोपियां घर में रहती थी, लेकिन घर में जो झाड़ू लगाती थी क्या सोचती थी, ये अपना घर नहीं, ये भगवान की मंदिर है, ठाकुर जी की मंदिर, इधर झाड़ू लगाती घर में, लेकिन मुंह में क्या करती है, बोले गोविंद दामो दरमाज बेटी, गोविंद दामो दरमाज बेटी, गोविंद दामो दरमाज बेटी, गोविंद दामो दरमाज बेटी। दुनिया दधी मंथन करती है, लेकिन इधर मुंह में क्या करती है, ठाकुर का कीर्तन करती है, इधर बच्चे को थक थक लगा करके सुलाती है, लेकिन उधर क्या करती है, ठाकुर जी की नाम, इधर रसोई बनाती है हाथों में, और हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बोलो ठाकुर जी की नाम। देखो कोई पैसा लगता है, कोई परिश्रम नहीं, इसलिए हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो ठाकुर जी की नाम लो, ठाकुर बोलते हो गए। भगवान कलयुग में इतने आसान उपाय बता दिए, बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, दूसरे दूसरे युग में भगवान को पाने का बड़ा कठोर परिश्रम था, भगवान कलयुग में बोले कोई परिश्रम के नहीं, बिना पैसा की हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम, उधर बड़ा कार्य। इसलिए कहते अगर जीवन में प्रभु की भक्ति कोई करे, प्रभु का प्रेम कोई करे ना, कहते आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होगी, परम सुख मिलेगा। अब देखो छोटी सी कहानी सुन लो, बच्चे सब याद रखना ठीक है। देखो एक समय कोई एक राजा था, उसको घर में कोई औलाद नहीं है। एक दिन कोई संत उसको घर में पहुंचे, बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना, बोले क्या ठीक ठाक, घर में कोई संतान है नहीं जो भविष्य में राजगति को उसको संभाले। तो संत ने उसको आशीर्वाद किया, आशीर्वाद से घर में एक सुंदर बच्चा जन्म लिया। जब बच्चा जन्म लिया, लेकिन बच्चा जब थोड़ी सी बड़ा हुआ ना, इतना ज्ञान नहीं, कुछ गुंडा लोग डाकुओं ने कुछ पैसा लोगों से बच्चों को विनम्र कर दिया। एक दिन फिर साधु गए, बोले महाराज कई सब ठीक ठाक, बोले क्या ठीक ठाक, आपका आशीर्वाद से घर में बेटा तो हुआ, लेकिन वो किडनैप हो गया, खोल ले गया, हमें पता नहीं, हम तो बड़े दुखी। लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए थे, उनने ध्यान लगाया, ध्यान में उन्होंने सब कुछ देख लिया, बोले देख राजा तेरा बेटा ठीक ठाक है, सही सलामत में, बोले बेटा भी जिंदा है, बोले जिंदा भी नहीं ठीक ठाक भी है, बोले बताओ अभी वो बच्चे को मैं ले आता हूँ। बोले देखो बीच में गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी होगी, जब बच्चे को उठा करके ले गए थे वो बच्चा था, अभी बच्चा बड़ा हो गया,
लेकिन वो बचपन में उसको ज्ञान नहीं था, मेरे पिता माता को, वो जो डाकू लोग थे ना, वो कह रहे हम ही तेरे पिता माता, छोटी सी झोपड़ी है कभी ये मेरे घर है, वो भूल गया असली उसको पिता माता को, और सबके से वो भूल बैठा है। बोले क्या करनी चाहिए? बोले अगर तुम बोलोगे ना, पहले मैं ये बच्चे को जाकर के समझाता हूँ असली उसको पिता माता कौन कहाँ घर है, अगर ये समझ गया ना उसको मेरे वापस लाओ। बोले बाबा आपकी बड़ी कृपा होगी, हम तो बड़े दुखी है। तो वो संत गए, वो बच्चे को अकेले देख कर बोले अपनी बेटा इधर आ। बोले पूछे तेरे पिता माता कौन? जो डाकू लोग थे ना, बोली मेरे पिता माता है। बोले तेरे घर कहाँ है? छोटी सी झोपड़ी थी, बोली ये मेरे घर है। तो संत ने बोले देख बेटा, ये तुम्हारी कोई पिता माता भी नहीं और ये घर भी तेरा घर नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? मैं बचपन से यही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि घर भी नहीं, कि तेरे पिता माता नहीं, कि जो देश है ना, देश का जो राजा रानी थी तेरे पिता माता, राज महल तेरे घर, जिस घर में हजार हजार दास दासियां जो काम करती हैं, एक दिन ये देश का राजा तो बनने वाले। लेकिन तेरे को बीच में जब छोटा बच्चा था, एक डाकू ने तुमको किडनैप करके लाए। बोले देख बच्चा, इसका प्रमाण देख ले, पिता माता की चेहरा में बच्चे का चेहरा मिलता कि नहीं? हम कहते ना देखो कि बाप का चेहरा इस कदर में है, इसके अंदर में इसका पिता का चेहरा है। बोलते हैं ना कभी कभी देखना पिता माता का चेहरा बच्चे में, ये दोनों का चेहरा बच्चे में आता है, आता कि नहीं? बोल आता कि नहीं? आता है। अब तू ये बता, तू कितने हिल डोल, कितने सुंदर देखने में, अरे तू जिसको पिता माता कह रहे उसको चेहरा में चेहरा मिला कर देखा मिलना है तेरे? अब तेरा चेहरे को भगवान, तेरे पिता माता जो राजा रानी के चेहरा में मिला है, किसकी चेहरा में तेरा चेहरा मिलता है? वो तो अभी तक कभी सोचा ही नहीं ये बात को, जब ये बात को देखा ये तो सही कह रहे, मेरे तो चेहरा में तो कोई चेहरा मिल नहीं रहा है, मिलने मेरा चेहरा तो राजा रानी से मिलता है। मेरे घर में जाओगे आप लोग? घर में जाओगे? कौन जाता है, चाहता है अपना घर में जाए? बोले कौन चाहता है अपना घर में जाए, सच्चे घर में? बोले मैं जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है, अभी मैं राजा को समझाता हूँ। फिर राजा को समझाया, अमुक स्थान पर तुम्हारी बेटा है, गुंडे को बीच में घिरा हुआ है, जाओ अपना सैन्य सामंत लेकर के जाओ और उनको मार करके बच्चे को वापस लाओ। जो बच्चे को वापस लाया ना, देखा हाय रे राज महल मेरा घर, झोपड़ी में कहाँ रह रहा था, छप्पन भोग छत्रिस व्यंजन, सूखे नशे में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा था, राजा रानी मेरे पिता माता, एक देश का मैं राजा। देखो ये चीज को समझो, शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? आप बताओ हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? कहना तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे, तुम्हें वो विद्या, तुम्हें वो सर्व, ये कौन है? हमारे पिता माता भगवान कृष्ण। इसलिए वेद कहता है तुम अमृत से पुत्र, तुम साधारण घर के बच्चे नहीं, अमृत का तो पुत्र हो। लेकिन अभी हम सब किडनैप हुए, क्या हुए? किडनैप हुए कि नहीं बोलो? असली घर में हम भूल गए हैं, अभी नकली घर को घर बना दिया। नकली घर को हर जीवन में बनाते हो फिर छोड़ते हो, बनाते हैं फिर हम छोड़ते हैं, बनाते हैं छोड़ते हैं। कब तक बनाओगे छोड़ोगे? जब तक तुम अपने घर में नहीं पहुंच जाओगे। अपने घर में जब तक नहीं, हमारे पिता भगवान है लेकिन बीच में हम किडनैप हो गए। लेकिन ये चीज कौन समझाता है उसको? साधु समझाता है। उसी तरह संत आकर के हम समझाते, बेटा ये तुम्हारे घर नहीं, रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हो, अपना घर में वापस चलो, अपना घर में वापस चलो। जिसको कृष्ण गीता में कहते हे अर्जुन, माम उपत्तु तुतु कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते, हे अर्जुन जब तक तुम मेरे को प्राप्त नहीं करते हो तब तक